गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. आप लोग ज्वाइन कीजिए जल्दी जल्दी. देख रहे मेरा. आप लोग ज्वाइन कीजिए जल्दी जल्दी बच्चे. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. अरे ये मेरा ये नहीं मिल रहा है. देख रहे हैं एक बार रुके. जो पीडीएफ था मेरा उसको देख रहे हैं. सब सब ज्वाइन कीजिए जल्दी जल्दी. कितने बच्चे आए? 37 है मैम. देखते हैं वो वाला मिला या नहीं. अरे रे 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 रे. ये आ क्यों नहीं रहा है? हमने बनाया था. इतना टाइम लग रहा है. एक मिनट थोड़ा सा आप लोग इंतजार कीजिएगा. बिना पीपीटी का दिक्कत होगा पढ़ने में आप लोगों को. आया क्यों नहीं? मैं तो भेज दिया. थोड़ा सा पेशेंस रखिए आप लोग. अभी आया. चलिए बच्चों. कितने लोग आप लोग जुड़े हो? स्टार्ट करें? यस मैम. ठीक है. कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कोई बताएंगे बच्चे? यस मैम. मैम कल हम लोग टाइप्स ऑफ टीचिंग पढ़े थे. जिसमें ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेसिस था. एंड ऑटोक्रेटिक मींस मैम जिसमें शिक्षक शिक्षक केंद्र बिंदु होते हैं. डेमोक्रेटिक मींस शिक्षक और छात्र दोनों की भूमिका बहुत इम्पोर्टेंट होती है. और छात्र और शिक्षक दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं. और शिक्षक जो है वो छात्र को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने में उनकी मदद करते हैं. और टीचर्स गाइड करते हैं अपने स्टूडेंट्स को. और लेसिस में न्यू एजुकेशन पॉलिसी बेस्ड है ये. मतलब न्यू शिक्षा पर आधारित है.
बालक पर दबाव नहीं दिया जाता है इसमें स्टूडेंट्स पे, और ये जनरली हायर एजुकेशन में अप्लाई किया जाता है, और ये हाँ ठीक है, हम बताते हैं इसको फिर से, ठीक है? यस मैम। लेसेस का बता रहे हैं हाँ? इसमें क्या है, इस प्रकार के शिक्षण में शिक्षक एक मित्र के रूप में कार्य करता है, इस बात को डालिएगा, और छात्रों को अधिक सक्रिय बनाते हुए उन्हें क्या कहता है, अधिक से अधिक अवसर विभिन्न समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रॉब्लम्स, बच्चे को प्रॉब्लम देता है वो कि आप इसको सॉल्व कीजिए, खुद सॉल्व करने के लिए कहता है। इस प्रकार क्या करता है टीचर, कोई प्रॉब्लम दे देता है, कहता है कि आप खुद इसे सॉल्व करो, है ना, अपनी एबिलिटी के अनुसार। इस प्रकार वह छात्रों को की क्रियाओं में हस्तक्षेप नहीं करता है ना, रोक टोक कुछ नहीं, आपको जैसे अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है उसको कीजिए, इसमें क्रिएटिविटी जो एबिलिटी है उसको उसका डेवलपमेंट होता है बच्चे में। अगर आप किसी बच्चे को छोड़ दीजिए कि आपको, लो भाई ये काम तुम खुद करो, हम तुमको नहीं बताएंगे, ये जो प्रॉब्लम है तुम्हारा इसे खुद सॉल्व करो, तो अगर उसने सॉल्व कर लिया बच्चे ने, तो समझिए कि उसकी जो क्रिएटिविटी जो एबिलिटी है वो उसका डेवलप होता है ना। कुछ आप लोग, एक स्टेटमेंट है जो ब्रू बेकर का है ना, उनके अनुसार है कि शिक्षण में ऐसी व्यवस्था अथवा परिस्थिति उत्पन्न की जाती है जिसमें छात्रों के समक्ष कठिनाइयों एवं समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, अर्थात क्रिएट करता है। इस शिक्षण में क्या होता है, इसकी व्यवस्था ऐसी रहती है, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न की जाती है, कौन करता है, टीचर करता है, जिसमें छात्रों के समक्ष जो प्रॉब्लम होते हैं वो उत्पन्न हो जाता है, प्रॉब्लम आ जाता है, तथा छात्र इन कठिनाइयों एवं समस्याओं का समाधान जो है अधिक से अधिक सक्रिय हो करके खुद सॉल्व करता है, और इस तरह से क्या होता है, वो सब्जेक्ट को, विषय वस्तु को वो सीख लेता है। यह शासन प्रणाली जो है कार्य तथा संबंध केंद्रित होती है, लिख लीजिएगा इसको, यह शासन जो है, ये जो मेथड है या ये जो सिस्टम है ना, ये क्या है, शिक्षण व्यवस्था में यह शासन प्रणाली क्या है, कार्य तथा संबंध केंद्रित होती है। ध्यान दीजिए आप लोग क्या लिखे हैं इसमें, लिख लीजिएगा इसको। हेलो, यस मैम, लिख रहे हैं। यस मैम, हाँ हाँ, सब लिख लेना बच्चे, छूटना नहीं चाहिए। हमने कुछ सोचा और कुछ इसमें ऐड कर दे आप लोगों को, डाल दिया, आप लोगों को मन होगा तो डालना है इसमें। मैम एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए ना। हाँ बिल्कुल कर देते हैं। ब्रू बेकर का स्टेटमेंट बताएं, आपको फिर से बता रहे हैं, उनके अनुसार है कि शिक्षण में ऐसी व्यवस्था अथवा परिस्थिति उत्पन्न की जाती है जिसमें छात्रों के समक्ष कठिनाइयां एवं समस्याएं उत्पन्न की जाती है, है ना। टीचर दे दिया बच्चे को, लो ये प्रॉब्लम तुम खुद जानबूझ करके क्रिएट कर दिया, कि देखते हैं बच्चे उसको सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। इसलिए बच्चे के, छात्रों के समक्ष कठिनाइयां एवं समस्याएं उत्पन्न की जाती है, तथा छात्र इन कठिनाइयों एवं समस्याओं के समाधान के लिए अधिक सक्रिय होकर कार्य करते हैं और विषय वस्तु को सीख जाते हैं। इसका इंग्लिश भी बोल दें। यस मैम, एक बार टीचिंग इज एन अरेंजमेंट
टीचिंग इज एन अरेंजमेंट एंड टीचिंग इज एन अरेंजमेंट एंड मैनिपुलेशन ऑफ ए सिचुएशन एंड मैनिपुलेशन ऑफ ए सिचुएशन इन विच देयर आर gaps gap gaps 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 and obstruction gaps and obstructions which an individual which an A-N, which an individual will seek to S-E-E-K, seek to overcome and will seek to overcome and from which he will learn in the course of doing so and in the course ke baad ma'am kya bolni in the course ke baad kya bolni of doing so in the course of doing so हिंदी वाले लिख लिए सब इसको और एक बार रिवीजन रिवाइज कर दें क्या कि हो गया आप लोग का लिखा हुआ यस मैम एक बार रिपीट कर दीजिएगा मैम रिपीट कर दें ठीक है टीचिंग इज एन अरेंजमेंट एंड मैनिपुलेशन ऑफ ए सिचुएशन इन विच देयर आर गैप्स टी एच ई आर ई देयर आर गैप्स जी ए पी एस gaps and obstructions which an individual will seek to overcome and from which he will learn in the course of doing so ho gaya inki accounting boli ma'am Brubaker B R U B R U B A C H E R Brubaker के अनुसार ठीक है सही लिखा है आप लोगों से हिंदी वाले को भी बोल दें हिंदी yes, वाले कुछ बोल नहीं रहे हैं बोलेंगे तो हम बोलेंगे चलिए Brubaker के अनुसार शिक्षण में ऐसी व्यवस्था शिक्षण में ऐसी व्यवस्था अथवा परिस्थिति उत्पन्न की जाती है जिसमें छात्रों के समक्ष कठिनाइयां एवं समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं तथा छात्र इन कठिनाइयों एवं समस्याओं के समाधान के लिए अधिक सक्रिय होकर कार्य करते हैं और विषय वस्तु सीख जाते हैं रिपीट कर दें इसको Brubaker के अनुसार शिक्षण में ऐसी व्यवस्था अथवा रणनीति उत्पन्न की जाती है जिसमें छात्रों के समक्ष कठिनाइयां एवं समस्याएं उत्पन्न की जाती है तथा छात्र इन कठिनाइयों एवं समस्याओं के समाधान के लिए अधिक सक्रिय होकर कार्य करते हैं और विषय वस्तु सीख जाते हैं चलिए स्लोली बोलिए ना थोड़ा स्लोली बोले ठीक अब एक बार बोल रहे हैं धीरे धीरे सुन लीजिए yes, Brubaker के अनुसार शिक्षण में ऐसी व्यवस्था अथवा परिस्थिति उत्पन्न की जाती है
जिसमें छात्रों के समक्ष कठिनाइयां एवं समस्याएं उत्पन्न की जाती है तथा छात्र इन कठिनाइयों एवं समस्याओं के समाधान के लिए अधिक सक्रिय होकर कार्य करते हैं और विषय वस्तु को सीख जाते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह शासन प्रणाली जो है, यह शिक्षण प्रणाली कार्य और संबंध केंद्रित होती है। इस शिक्षण की मूलभूत मान्यता यह है कि छात्रों में कठिनाइयों के को दूर करने के लिए निदान करने की तथा समस्या समाधान करने की क्षमता आ जाती है, विकसित हो जाती है, वे सही निर्णय ले सकने में समर्थ हो जाते हैं, बशर्ते उन्हें इस व्यवस्था में कठिनाइयों में उनको सही तरह से टीचर का गाइडेंस निर्देशन मिले। चलिए, हो गया। इसमें एक और स्टेटमेंट है क्लार्क का 1970 में, जो हिंदी में ही है, इंग्लिश में नहीं है। क्लार्क बोले मैम? क्लार्क आप लोग सुन चुके हैं ये नाम? यस मैम। यह शिक्षण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रारूप तथा परिचालन की व्यवस्था इस प्रकार से की जाती है। जिसमें छात्रों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाया जा सके। लिख लिया आप सबों ने? यस मैम। लिख लिया कि एक बार रिपीट करो फिर से। यह शिक्षण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रारूप तथा परिचालन की व्यवस्था इस प्रकार से की जाती है जिसमें छात्रों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाई जा सके। ये क्लार्क महोदय का है 1970 में। इस व्यवस्था के शिक्षण में छात्र जो होते हैं अधिक क्रियाशील होते हैं, अधिक जिज्ञासु होते हैं और अपने जिज्ञासा के शांति हेतु, अर्थात जो उनकी जिज्ञासा होती है उसकी शांति के लिए वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने तक पहुंचने का प्रयास खुद करते हैं। चलिए अब आगे बढ़े। यस मैम। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब हम लोग देखते हैं आज का क्या कंपोनेंट्स है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? वेरिएबल्स पढ़ेंगे। वेरिएबल के बारे में जानते हैं आप लोग कुछ, थोड़ा बहुत भी? यस मैम। हाँ बोलिए। ऐसे तत्व जो शिक्षण प्रक्रिया को पूर्ण बनाने में सहयोग करते हैं उन्हें शिक्षण के चर कहते हैं, जैसे शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। कौन बोल रहे हैं? पूजा? सुस्मिता। हाँ सुस्मिता बोलिए। यस मैम, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। हाँ चलिए ठीक है। और कोई बोले? देखिए यस मैम, पूजा। आप पूजा बोलिए। मैम वेरिएबल्स को हम लोग फैक्टर भी बोल सकते हैं, फैक्टर्स ऑफ टीचिंग। और ये थ्री टाइप्स का होता है, इंडिपेंडेंट,
इंटरवेनिंग और डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र, इंटरवेनिंग मीन्स मध्यम मध्यस्थ, और थर्ड है डिपेंडेंट मीन्स आश्रित। तो उसमें स्वतंत्र टीचर होते हैं और मध्यस्थ में करिकुलम होता है और डिपेंडेंट मीन्स स्टूडेंट होते हैं इसमें। चलिए ठीक है। देखिए वेरिएबल क्या है, वेरिएबल चर वह चर होते हैं जो शिक्षण की प्रक्रिया को पूरा करने में सहयोग करते हैं, है ना, शिक्षण प्रक्रिया को पूरा करने में सहयोग करते हैं। अब हम देखेंगे कैसे सहयोग करते हैं भाई, उसका वेरिएबल नाम कैसे पड़ गया, है ना। यह शिक्षण प्रक्रिया को सही तरह से पूर्ण तरह से पूरा करने के लिए शिक्षक जो जो कार्य करता है, शिक्षण प्रक्रिया को पूरा करने में शिक्षण प्रक्रिया जिसके द्वारा पूरी होती है उसे चर कह सकते हैं, है ना। शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया प्रभावशाली हो इसके लिए परिवर्तन की अवस्था अर्थात वैरी करते रहता है। वेरिएबल वैरी से वेरिएबल होता है, अर्थात जिसका अर्थ होता है बदलता रहता है, है ना, चेंज होता रहता है। शिक्षण प्रक्रिया में हम तरह तरह के मेथड यूज करता है एक टीचर, तरह तरह के कार्य करता है शिक्षण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए, प्रभावशाली शिक्षक को, है ना, बच्चों को सही प्रकार से लर्निंग हो इसके लिए जो जो कार्य करता है उसको कहते हैं शिक्षण के चर, है ना। शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया को सही तरह से पूरी करने के लिए जिन जिन चीजों को करता है सभी शिक्षण के चर कहलाते हैं। ठीक है, इसको हम समझ गए। ये हो गया टीचिंग में, है ना, शिक्षण में जो शिक्षण प्रक्रिया को पूरा करने में जो जो चीजें आती है, जहां एक टीचर जो जो टीचिंग में जो जो अप्लाई करता है, अर्थात एक टीचर टीचिंग में जो जो चीज अप्लाई होता है वो सब चर है, हम इसको कह सकते हैं। लेकिन एजुकेशनल रिसर्च में चर चर यहाँ भी हम वेरिएबल कहेंगे, चर कहेंगे, टीचिंग में यहाँ ये यूज होता है, लेकिन चर वेरिएबल जो है वो बड़ा बड़ा रिसर्च होता है, आपको साइकोलॉजिकल जो है एक्सपेरिमेंटल सब में चर का बहुत बड़ा स्थान है। उसमें क्या होता है, गुणों का मापन, एजुकेशनल रिसर्च में जो वेरिएबल्स होते हैं उनका मीनिंग अलग है। उसमें जो है रिसर्च में जो है गुणों का मापन होता है, जैसे आप में आपकी आपकी विशेषता है कि आप बहुत दयालु हो, तो ये आपका चर हुआ, ये आपका गुण हुआ, अर्थात जिसका मेजरमेंट हो सके। कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रूएल है, इसका मेजरमेंट हो सकता है, है ना, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम कर सकते हैं। तो साइकोलॉजी में रिसर्च साइकोलॉजी में आपको वेरिएबल जो होते हैं वेरिएबल्स वो रिसर्च में चर जो होते हैं उनका अलग मीनिंग आता है। लेकिन यहाँ हम लोग टीचिंग के क्षेत्र में टीचिंग के लिए वेरिएबल्स को पढ़ते हैं, तो इसमें है जो कि शिक्षण प्रक्रिया को सही तरह से पूर्ण करने में जो सहयोग प्रदान करता है या उस प्रक्रिया के लिए काम करता है शिक्षक के चर कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आई बात, कोई और बोलेंगे चर के बारे में, वेरिएबल्स के बारे में, बच्चे कुछ और बोलना चाहेंगे, कोई वेरिएबल क्या है, क्या बात है, कोई बोल नहीं रहे हैं? आज कंटिन्यू कीजिए। ठीक मैम, ठीक है, तो बताएं। हाँ, इसीलिए तो हम बोले, और कोई बोल नहीं रहे, लगता है कोई है नहीं क्या? है मैम, 56 पार्टिसिपेंट्स है। वही तो बोले, लेकिन बोल कोई नहीं रहा है, कैसे हमको पता चलेगा आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, तो फिर मेरा टीचिंग तो अधूरा ही रह जाएगा।
इसी चीज को हम बार बार पढ़ाते हैं, एक टीचर जो टीचिंग कराता है तो लर्नर जो होता है उस कैसे एक्टिव होना चाहिए, उसको कैसे इंटरेस्ट लेके पढ़ना चाहिए, ये सब तो हम आप लोगों को बताते हैं, आप लोग खुद आप लोगों को फॉलो करना चाहिए। चलिए ठीक है, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स हम लोग देखते हैं, है ना। क्या देखा हमने? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसको कहते हैं? शिक्षण व्यवस्था या शिक्षण कार्य का नियोजन या इस शिक्षण प्रक्रिया का जो संचालन करता है, अर्थात टीचर एक प्लानिंग करता है, ना लेसन प्लान बनाता है, 45 मिनट जो वो क्लास में रहेगा तो वो क्या क्या करेगा, करिकुलम का सहारा लेता है, शिक्षक के द्वारा जो पूरा कार्य टीचिंग का किया जाता है, इसके लिए इसमें शिक्षक को जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहा गया है, स्वतंत्र चर कहा गया है। शिक्षक अपने शिक्षण कार्य का परिचालन जो है वो जो अपने कार्य को पूरा करता है, कैसे उसको अरेंजमेंट करता है, कैसे वो सिस्टमेटिक ढंग से और एकदम इंडिपेंडेंट रूप में वो कैसे उसको पूरा करता है, तो शिक्षक को पूरी स्वतंत्रता रहती है कि वो अपने क्लास में शिक्षण कार्य का नियोजन, प्रक्रिया, परिचालन, अर्थात जो प्रोसेस है शिक्षण का, जो प्रोसेस है, जो प्लानिंग है, लेसन प्लान है, जो प्रोसेस है उसको कैसे वो संचालन करता है ना, कैसे सिस्टमेटिक ढंग से शिक्षण प्रक्रिया को पूरा करता है। तो वेरिएबल के लिए जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसको माना गया है टीचिंग में? टीचर को। किसी लड़के की आवाज नहीं आ रही है, जब तक नहीं आएगी हमने दूसरा बताएंगे। कॉलेज आएंगे तो टीचर को माना। हाँ बोलिए, कौन बोल रहे हैं? मैम इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो टीचर को माना गया है। हाँ, और मैम डिपेंडेंट वेरिएबल छात्र को माना गया चूंकि छात्र टीचर पर निर्भर रहते हैं। और इंटरवेनिंग जो है मैम वो करिकुलम को माना गया है। क्या नाम है आपका? दयानंद कुशवाहा। दयानंद, बहुत दिन के बाद आप लगता है जवाब दे रहे हैं। यस मैम। अनुपम लोग कहाँ है? अनुपम मैम यही है, मैम सुन रहे हैं हम भी, लेकिन हम बोलना जो चाह रहे थे वो सब कोई बोल ही रहे हैं तो फिर हम चुप रहे हैं। हमको ऐसा लगता है आप लोग केवल हाँ कर दीजिए ना, तो हमको लगता है कि सब केवल जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे, इसको समझ गए? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नो मैम। चीज है इसमें, क्या प्रॉब्लम होगा? अब है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आश्रित चर, अर्थात स्टूडेंट जो है आश्रित चर में छात्र आएंगे तो शिक्षक पे कौन आश्रित रहते हैं, है ना, डिपेंडेंट कौन होंगे? तो छात्र ही होंगे बेचारे। शिक्षक जो 45 मिनट का क्लास में जाता है तो उसमें जो टीचर जो जो बताता है स्टूडेंट को फॉलो करना होता है ना, छात्र शिक्षक के हिसाब से ही क्रियाशील होते हैं। शिक्षक ने कहा आपको ये करना है तो आप ये कीजिए, ऐसे पढ़िए, या फिर कुछ समझा रहा है ना, शिक्षक के द्वारा समझाने, या कुछ अगर टीचर ने कह दिए ये आप ऐसे अरेंजमेंट कीजिए, इसको आप ऐसे समझिए, इसको आप ऐसे लिखिए, सारा जो कार्य होता है, ऑल ओवर जो एक्टिविटी होती है जो शिक्षक करता है और छात्र उस पर निर्भर रहता है, छात्र उसी को फॉलो करता है। ठीक है, ये हो गया। कुछ है नहीं इसमें। हाँ, इंटरवेनिंग वेरिएबल, हस्तक्षेप चर इसको बोल सकते हैं। यह शिक्षक और छात्र दोनों को आपस में संबंध या बांध करके रखता है। कैसे बांध करके रखता है? यह शिक्षक और छात्र दोनों को आपस में बांध करके रखता है। यह सिखाने वाले और सीखने वाले के बीच में आने वाली एक अंतः प्रक्रिया या प्रोसेस है। इस प्रक्रिया के बीच में पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियां मदद करती है। इस चर के द्वारा हम अपने शिक्षण कार्य को सही या गलत तरीके का पता कर सकते हैं, यह भी जान सकते हैं कि बच्चे को क्या जरूरत है और किस प्रक्रिया से बच्चे को सिखाया जाए, करिकुलम कैसे तैयार किया जाता है ना, बच्चे के एज के हिसाब से, एबिलिटी के हिसाब से, इंटरेस्ट के हिसाब से, है ना,
आप बच्चे का करिकुलम देखते हैं, वो करिकुलम सही है या नहीं, करिकुलम जो बनाया जा रहा है या जो बन करके आ रहा है उसको आप अप्लाई कर रहे हो टीचिंग प्रोसेस, है ना, मेथड आप यूज कर रहे हो, वो उससे आप मदद ले रहे हो, ये सारी चीजें जो है वो सब करिकुलम के अंतर्गत आता है, है ना। चाहे जो पढ़ा रहे हो आप पेडागोगी या फिर जो एक को एक्टिविटी करा रहे हो, ये सारा कुछ जो है करिकुलम में आता है। करिकुलम के द्वारा आप ये देख सकते हो कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो सही तरीका है या नहीं, जो चीज पढ़ा रहे हैं वो करिकुलम में है या नहीं, यह सब जो जानकारी है ये हमें करिकुलम के द्वारा मिलता है। समझ में आ गया आप? यस मैम, यस मैम। आप इसमें कहीं ये क्वेश्चन आता है आप लोगों को एग्जामिनेशन में, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग, इम्पोर्टेंट है। चलिए अब हम दूसरा पीडीएफ देखते हैं, ठीक है। अब इसका हम देखते हैं ये फंक्शन क्या है इसका वेरिएबल का, ठीक है, एक बार देखने दीजिए हमको। सॉरी, अब हम लोग देखेंगे फंक्शंस ऑफ टीचिंग वेरिएबल। अब हमने तो देख लिया कि भाई टीचिंग वेरिएबल है तो इसके क्या फंक्शन है, है ना। टीचिंग जो वेरिएबल का को हमने आपको पढ़ाया, तो ये जो है इसको हम देखेंगे कि ये कैसे यूज होता है, इसको अप्लाई हम कैसे करते हैं। तो इसका जो है फंक्शन है निदानात्मक कार्य, है ना, डायग्नोस्टिक फंक्शन। अर्थात इस फंक्शन इसमें क्या है, निदानात्मक कार्य में या डायग्नोस्टिक फंक्शन में क्या करना है, इसमें स्वतंत्र चर अधिक क्रियाशील रहता है। ध्यान दीजिएगा, आपको समझने की जरूरत है। इसमें शिक्षक इस बात का डायग्नोसिस करता है, अर्थात पता लगाता है कि छात्र को क्या क्या आता है और छात्र को कहाँ कहाँ दिक्कत हो रही है, कहाँ कहाँ परेशानी हो रही है। जब आप पढ़ाने जाएंगे तो आप देखेंगे कि भाई हम तो पढ़ा रहे हैं बच्चे को, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं या समझ नहीं पा रहे हैं, देखने में ऐसा लग रहा है। तो सबसे पहले आप ये पता करेंगे, जैसे एक डॉक्टर के पास जाता है एक पेशेंट, तो डॉक्टर क्या करता है, पहले उससे पूछता है सारी चीजें, है ना, कि वो आपको कहाँ तकलीफ है, क्या दिक्कत है। वही चीज है यहाँ, क्या क्या कठिनाइयां है, क्या दिक्कत है, कहाँ आपको समझने में दिक्कत हो रही है, है ना, क्या किस ढंग से आपको हम पढ़ाए, इस सब का बात का पहले पता लगाता है टीचर, जिस बच्चे को छात्र को कहाँ क्या क्या आता है ये चीज जानना चाहिए एक टीचर को, और उसे कहाँ दिक्कत होगी या कहाँ दिक्कत होती है, इस बात को आप पता लगाइए। और जो आप पढ़ा रहे हैं टॉपिक, जो सब्जेक्ट मैटर आप पढ़ा रहे हैं, उसको फिर से नए ढंग से आप उसको अरेंजमेंट कीजिए, उसको और अच्छे ढंग से आप बताने की कोशिश कीजिए। पूर्व ज्ञान के आधार पर छात्रों के समक्ष आप जो ज्ञान उसे उसके पहले उसने प्राप्त किया है उसके आधार पर आप उसको टॉपिक उसी से रिलेटेड आप दीजिए। कुछ ऐसा कीजिए कि वो जो पूर्व ज्ञान है उसको लेते हुए हम नई चीजों को प्रस्तुत करें, प्रेजेंट करें, ताकि छात्रों को का जो है प्रॉब्लम है उसको हम दूर कर सकें, है ना। इसमें सब मोटा मोटी यही समझिए कि हम ये पता लगाने की कोशिश करता है टीचर कि हमारे बच्चे को कहाँ प्रॉब्लम हो रही है ना, कमी कहाँ है और उस कमी को हम दूर करने के लिए क्या करें, ये चीज टीचर यहाँ करता है डायग्नोस्टिक फंक्शन में, ठीक है। समझ में आई कि नहीं ये? यस मैम, यस मैम।
आप अपने बच्चे को पढ़ाने जाएंगे तो आप क्या करेंगे? आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, बच्चा कुछ समझ ही नहीं रहा है, आप देख रहे हैं केवल हूँ हाँ कर रहा है, अब जब पूछिएगा आप तो कुछ बता ही नहीं पा रहा है, तो आपको नहीं लगेगा कि जहीं बच्चा क्यों नहीं समझ रहा है, कहाँ प्रॉब्लम है? तो सबसे पहले उसके प्रॉब्लम को समझिए, है ना? उसके बाद दूसरा है प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शन. प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शन है क्या है? दूर में है. प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शन है. एक मिनट रुके, देखने दीजिए हमको. हाँ, इसको जूम कर लिए. हाँ, प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शन ये क्या है? इसको कहेंगे उपचारात्मक कार्य. अब जो हमने डायग्नोस्टिक से हमने क्या पता लगाया, बच्चे को कहाँ प्रॉब्लम है, ये पता लगाया या नहीं लगाया? यस मैम, कि कहाँ कमी रह गई है, वो कमी को दूर करने की कोशिश कर रही है. हाँ, एकदम, कि बच्चे में कहाँ कमी है, कहाँ दिक्कत हो रहा है. मीन्स मैम, उसको एनालिसिस फॉर्म भी बोल सकते हैं, कि मतलब एक तरह का एनालिसिस करेंगे स्टूडेंट पे, कि उनको जो एनालिसिस नहीं बोलेंगे, डायग्नोस्टिक बोलेंगे. जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाते हो, ठीक है, आप डॉक्टर को बताते हो कि हमको ये प्रॉब्लम है, बताते हो ना अपनी बीमारी के बारे में. हाँ, तो तब डॉक्टर समझता है कि ये चीज इसने बताया, इसका मतलब इसको ये बीमारी है. हाँ, यही हो गया करते हैं कमी को. हाँ, हाँ, वो प्रॉब्लम को दूर करने के सुन के फिर वो प्रॉब्लम का क्या इलाज. हाँ, है, फिर वो बताते हैं, वो बताते हैं. यस, वैसे मेडिसिन चाहे कुछ चेक कर. यही है उपचारात्मक कार्य, है ना? आपने डायग्नोस्टिक फंक्शन का काम आपने कर लिया, है ना? डायग्नोसिस आपने कर लिया कि बच्चे में कहाँ कमी है, कैसे उस कमी को आपने पकड़ लिया, मोटा मोटे यही समझ. हाँ, अब वो कमी को दूर कैसे करना है, वो उसके वे में हम लोग. उपचारात्मक कार्य है दूसरा वाला, है. इसमें क्या है कि आपने डायग्नोसिस कर लिया बच्चे में क्या लक्षण है, कहाँ कमी है. जब एक टीचर को पता चलता है तो टीचर क्या करता है, उस पर कंट्रोल करता है. जो चीज वो कर रहा है जिसके कारण बच्चा समझ नहीं पा रहा है उसको कंट्रोल करता है, अर्थात उसको वो नहीं करना चाहता है उसमें कंट्रोल कर लेता है, और उसके उपचार के लिए, है ना, उसको सही करने के लिए जो है शिक्षक कार्य करता है. अब ये टीचर का एक काम हो गया कि भाई आप किस कारण से बच्चा नहीं समझ पाया. हो सकता है कोई टीचर बहुत जल्दी जल्दी बोलता हो जिसके कारण कि बच्चा नहीं समझ पा रहा है. अब वो टीचर क्या करेगा, थोड़ा धीरे धीरे बोलेगा, शब्द को माने अस्थिर कर कर के बोलेगा, है ना? इस तरह से वो कंट्रोल करेगा अपने आप में, और बच्चे के उपचारात्मक बच्चा कैसे सही हो सकता है, इस जो टीचर में कमी थी या बच्चे के समझने में कमी थी उसको दूर करने के लिए क्या करता है टीचर, उपचारात्मक क्रियाओं में शिक्षक जो है वो सक्रिय हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, वह कार्य जो है क्लास के अंदर किया जाता है. अर्थात जो जिससे बच्चा समझ सके, मोटा मोटी यही समझिए, जिस तरीके से जिस मेथड से बच्चा समझ सके, है ना, उस चीज को अप्लाई करना चाहिए क्लास के अंदर, है ना, ताकि बच्चे की जो कमी है उसको दूर किया जा सके. अब समझ में आई? यस मैम. कोई बताइए, ये दोनों को बताइए. निदानात्मक कार्य बताइए, उपचारात्मक कार्य बताइए, प्रेस्क्रिप्टिव बताइए और डायग्नोस्टिक बताइए, दोनों बताइए. कोई एक एक करके कोई बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से हम समझाएंगे, बहुत टाइम है अभी मेरे पास. मैम हेलो, मैम मैं कोमल से बोल रही हूँ. हाँ कोमल बोलिए. मैम डायग्नोस्टिक फंक्शन में मींस आपने बताया कि इसमें मींस टीचर बच्चों का कमी मींस उसको कुछ समझा रहे तो उनको नहीं समझ आ रहा है, आखिर किस वजह से समझ नहीं आ रहा, उनको जानने की कोशिश करते हैं इसमें. प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शन में बताया कि क्यों नहीं समझ आ रहा है, वो वजह मींस वो प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश. मान लीजिए कि जो टीचर जो टेक्निक से पढ़ा रहे बच्चे को,
अगर वो टीचिंग मेथड से नहीं समझ आ रहा तो वो अपना टीचिंग मेथड शायद चेंज कर दे, मीन्स अगर जल्दी जल्दी बोल रहे तो वो स्पीड शायद कम करे, अगर वो सिर्फ ओरली पढ़ा रहे तो शायद रिटेन करके पढ़ाना स्टार्ट करे, मीन्स बच्चे को किस वजह से समझ नहीं आ रहा उसमें ये करते, और डायग्नोसिस में वो मीन्स कि क्यों समझ नहीं आ रहा, मीन्स किस वजह से नंबर कम आ रही है, तो यही है मैम दोनों में तो। चलिए ठीक है, नहीं देखिए पहले में डायग्नोस्टिक में तो आपने ये पता लगा लिया कि बच्चे को कहाँ कमी है ना, वो कमी को दूर करना इसमें से जो आपने कमी पकड़ लिया, बस डायग्नोस्टिक में ये है कि आपने डायग्नोसिस कर लिया, पता लगा लिया कि बच्चे में कहाँ कमी है, मेरे में कमी है या बच्चे को समझने में कमी है, तो आप बच्चे को अब आप दिमाग लगाइए, आपने पता कर लिया कि बच्चे में क्या कमी है, प्रॉब्लम कहाँ है, अब उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप जो है प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शन में जाइए, अब आप उसको कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, उपचार करेंगे, है ना, उसके लिए अब टीचर एक्टिव हो जाता है, है ना, जो जो चीज से प्रॉब्लम हो रहा था बच्चे को उस पे कंट्रोल कर लेता है, और नई नई चीजों को, और हो सकता है कि टीचर थोड़ा और इजी करके बताए बच्चों को, तोड़ तोड़ करके बताए, है ना, स्टेप बाय स्टेप बताए, बच्चों को समझाने की कोशिश करे, अर्थात वो अपने जो है मेथड को चेंज करता है, यही हो गया, टीचर क्या करता है ज्यादा एक्टिव हो जाता है, और क्लास के अंदर वो क्लास के अंदर ही ये करता है एक्टिविटी, बच्चे को समझाने के लिए वो TLM यूज करेगा, एट्रैक्टिव TLM यूज करेगा, या फिर और इजी करके बताएगा, या फिर मेथड चेंज करके बताएगा, है ना, समझ में आई? Yes, ma'am. हाँ, ये एग्जामिनेशन में आता है, याद रखिएगा आप लोग, इवेलुएशन फंक्शन, इसके बारे में आप लोग कुछ जानते हैं तो बताइए, या हम बताएं, एक बार में बोल दीजिए, मैडम आप बता दीजिए। मैम इवेलुएशन मीन्स मूल्यांकन करना, हम लोग इसमें बच्चे का मूल्यांकन करते हैं कि बच्चे को जो टॉपिक पढ़ाई गई है, जो टीचर ने पढ़ाया है, वो बच्चे को कितना समझ में आया, इसके लिए टीचर्स जो है वो बच्चों से क्वेश्चंस पूछते हैं और मैम इसी को इवैल्यूएशन बोलते हैं। बहुत अच्छा। हेलो मैम, और बोलिए, और लोग आप लोग बोलिए। यस मैम, मैं पूजा बोल रही हूँ, रोल नंबर 20। कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसको जजमेंटल प्रोसेस भी बोलते हैं, इसमें बच्चे को टाइम टू टाइम चेक करते हैं कि बच्चे को कितना समझ में आया, जैसे यूनिट टेस्ट लेकर, वीकली टेस्ट लेकर, मंथली टेस्ट या हाफ ईयरली टेस्ट लेकर बच्चे का मूल्यांकन करते हैं। मैम इतना बहुत अच्छा। यस मैम, मैं प्रशांत कुमार। हाँ प्रशांत बोलिए। मैम मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जो शिक्षक के द्वारा छात्र को प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है, जिसमें शिक्षक जो है तो छात्र को मूल्यांकन करते हैं कि मेरा बच्चा कितना, मेरा सब्जेक्ट में ये मतलब कि ये क्या है, प्रोग्रेस क्या है, इस उद्देश्य से ही मूल्यांकन की जाती है। और यह मतलब ना बोले जाए तो बहुत प्रभावजनक है, जो निरात्मक पढ़ाएं या फिर उपचारात्मक, तो इससे कहीं ना कहीं ज्यादा बेहतर है मूल्यांकन करना, क्योंकि मूल्यांकन अगर किसी बच्चा को नहीं होता है तो शायद पाठ्यक्रम ही अधूरा समझा जाएगा। फिर कैसे पता चलेगा बच्चे ने कितना सीखा। यस मैम। चलिए बहुत अच्छा बोला आप लोगों ने, और कोई बोलना चाहेंगे? मूल्यांकन क्या है मैम? हाँ बोलिए। ये दो टाइप के होते हैं, एक कंटिन्यूअस और एक कॉम्प्रिहेंशन। कंटिन्यूअस में जो लगातार चलते ही रहता है, जैसे मंथली ईयरली हाफ ईयरली टेस्ट लेके, और जो कॉम्प्रिहेंशन होते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव, वो व्यापक होते हैं, वो एक टाइम तो मतलब मींस बोल सकते हैं मंथली नहीं किया जाता, ईयरली टेस्ट लिया जाता है बच्चे का।
इवेल्युएशन कहाँ से पढ़ी आप? मैम सेमेस्टर वन में था सर, सौर मैम सौरभ सर पढ़ाए थे, दो टाइप के होते हैं। चलिए ठीक है, हम बताते हैं आपको। इवेल्युएशन फॉर्मेटिव समेटिव है ना, निर्माणात्मक और संकलात्मक दो तरह का होता है जो हम साइकोलॉजी में हम लोग देखते हैं। चलिए छोड़िए उस सब बातों को, पहले हम देखते हैं मूल्यांकन कार्य क्या होता है, इवेल्युएशन फंक्शन क्या होता है। तो मूल्यांकन जो है शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग है, जरूर है ये महत्वपूर्ण अंग, क्योंकि आपके आपने बच्चे को सिखाया, बच्चे ने कहां तक सीखा आप कैसे पता लगाएंगे, है ना। इस माध्यम से यह देखने का प्रयास किया जाता है कि छात्रों में जो हमने सिखाया, जो पढ़ाया, उसमें कितना चेंजेज आया, उसमें जो हम चाह रहे थे कि बच्चा इसमें एकदम निपुण हो जाए, है ना, इन सारी चीजों को बच्चा सीख ले, तो इवेल्युएशन से ही पता चलता है। अभी क्लास में तो आप लोग बोल रहे हो कुछ लोग चूंकि ऑनलाइन हो रही है तो कुछ लोग अपना इंटरनेट की का भी सहारा लेके बोलते हैं, ये मुझे पता है, आप लोग देख करके भी बोलते हो और इसका सहारा लेते हो, लेकिन जब आपका एग्जामिनेशन होगा, है ना, अगर मान लीजिए आपका एग्जामिनेशन लेते हैं, क्यों लिया जाए, यूनिट टेस्ट है, वीकली टेस्ट है ना, ये सब है, आपको हाफ ईयरली टेस्ट है, एनुअल टेस्ट है, आप लोगों का सेमेस्टर वाइज है, जैसे आपका जो है सिलेबस है वो सेमेस्टर बेस्ड है, तो 6 महीने में आप लोगों का एग्जामिनेशन होता है ना, इंटरनल और एक्सटर्नल यूनिवर्सिटी एग्जाम दोनों होता है, तो इस तरह से तब आप हमें पता चलता है कि ओ ये स्टूडेंट जो इतना मार्क्स लाया, इस स्टूडेंट ने इतना सीखा, इसका मतलब कि इसने लेबर किया है, इसने हमने जो पढ़ाया है उसे सही तरीके से समझा है और उसको वो लिखा भी है, इसलिए इतना मार्क्स आया। क्या कारण है इवेल्युएशन का, क्या कारण, क्यों किया जाता है? मूल्यांकन के लिए शिक्षक क्या करता है, विभिन्न प्रकार के विधियों का उपयोग करता है, जैसे कि एक तो हो गया आपको निर्माणात्मक इवेल्युएशन, जिसको बोलते हैं कि आप पढ़ाते पढ़ाते क्लास में पढ़ा रहे हैं, एक टॉपिक पढ़ा है, उसके बाद आप क्वेश्चन पूछना शुरू कीजिए, तो आपको क्लास में ही पता चल जाता है कि आपका बच्चा कितना सीखा, किसने किसने सीखा। अगर आप क्लास में, अभी तो आप ऑनलाइन हो तो हम आपका चेहरा नहीं देख सकते, अगर हम आपको क्लास में पढ़ाएंगे तो जरूर हम उठा उठा के पूछेंगे कि आप बोलिए आप बोलिए, तो अगर आपने बता दिया इसका मतलब है कि आप में चेंजेज आ गए, अर्थात आपने सीख लिया, आपने सीख लिया तो आपने नई नए ज्ञान को, नॉलेज को गेन किया, तो इसका मतलब है कि आप में चेंजेज आ गए। इस तरह से जो है मूल्यांकन प्रोसेस इसीलिए किया जाता है, शिक्षक क्यों करता है, विभिन्न बहुत सारे तरीके अपनाता है बच्चे को इवेल्युएट करने का, बहुत सारे तरह के एग्जामिनेशन लेता है, क्लास में आपको भी इवेल्युएट करता है, आपको क्वेश्चन पूछ पूछ करके, बीच बीच में पढ़ाएगा, बीच बीच में क्वेश्चन पूछेगा, इसका यही कारण है कि हमारे बच्चे कितना सीखे, कितना उन्होंने गेन किया, हमने जो बताया कितना सीखा, लर्न किया, यही है आपका इवेल्युएशन प्रणाली, है ना, सिस्टम। इन तीनों जो है फंक्शन जो है वो क्या है, आपको एजुकेशन सिस्टम में है, इन तीनों सिस्टम के द्वारा जो है हम टीचिंग कंप्लीट करते हैं। और बच्चे कोई कोई बताएं, और कुछ बताना चाहते हैं, अब इस जो है ये जो तीनों फंक्शन है, ये जो तीनों फंक्शन है ये कैसे पूरा होता है, ये होता है किसके द्वारा पूरा होता है, बताइए, फंक्शन ऑफ टीचिंग वेरिएबल टीचर के द्वारा,
टीचर्स के द्वारा स्टूडेंट के लिए और करिकुलम के थ्रू आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। यस मैम। डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर अप्लाई किया जाता है ना, यही ना है? यस मैम। और पता लगाया जाता है कि बच्चे ने कितना लर्न किया, टीचिंग किया, कितना डेवलप हुआ बच्चे का, है ना? यस मैम। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। देखिए अब इसको और हम देखते हैं, आपको डायग्नोस्टिक में क्या क्या काम होता है ना? शिक्षण जो टीचिंग करा रहा है इसमें क्या क्या होता है कि शिक्षण की समस्या का विश्लेषण करना, एनालिसिस करना, है ना? जो हम पढ़ा रहा है टीचर उसको कैसे एनालिसिस करता है, छात्रों के पूर्व ज्ञान पर को निर्धारण करना, अर्थात जो पूर्व ज्ञान है उसी के अनुसार जो है छात्रों के लिए कार्य करना, उसके बाद व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान टीचर के लिए बहुत जरूरी है कि आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में जाने, उसके बाद जो है आप कार्य का विश्लेषण कीजिए, है ना, एनालिसिस कीजिए कि आप कैसे करेंगे। टीचर क्या 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 काम करेगा, टीचर पहले क्या करेगा, टीचिंग जो प्रॉब्लम है उसको एनालिसिस करेगा, छात्रों के पूर्व ज्ञान के आधार पे बनाएगा, है ना, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का नॉलेज रखेगा और कार्य को एनालिसिस करेगा, अर्थात जो वो टीचिंग कराएगा उसको वो ये तय करेगा किस ढंग से अब हम टीचिंग करें कि स्टूडेंट का प्रॉब्लम नहीं रहे। उपचारात्मक में क्या है कि टीचिंग कौशल अर्थात टीचिंग स्किल को अप्लाई करने के लिए सेलेक्ट करेगा एक टीचर कि हम कौन सा टीचिंग स्किल अप्लाई करें, और उसके बाद फीडबैक लेगा टीचर स्टूडेंट का, कैसे लेगा, पढ़ाएगा, फिर पूछेगा, है ना, फिर देखेगा कि हमारे स्टूडेंट का जो है वो प्रॉब्लम दूर हुआ कि नहीं। समझ में आई बात? जो 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 डायग्नोस्टिक डायग्नोसिस किया, जहां कठिनाई का पता चला टीचर को, वहां वो कैसे ट्रीटमेंट करेगा, प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शन कैसे अप्लाई करेगा, इसके बारे में सोचेगा, है ना? यस मैम। हाँ, दूसरा क्या करेगा, कैसे हम उपचारात्मक कार्य में क्या करेगा कि कैसे हम टीचर जो कौन सा, हमने बताया था ना आपको कि कौन सा मेथड अप्लाई करें, कौन सा स्किल हम अप्लाई करें, कौन सा हम प्लान करें, है ना, कुछ अपना दिमाग लगाएगा टीचर, कुछ नए तरीका तरीका से अप्लाई करना चाहेगा, कुछ नई तरीका ढूंढेगा और उसके बाद बताएगा, पढ़ाएगा, उसके बाद फिर क्वेश्चन पूछेगा फीडबैक के लिए कि बच्चों ने सीखा कि नहीं सीखा। अगर देखा कि हाँ बच्चे अब इस ये सिस्टम से हम पढ़ा रहे हैं तो बच्चों ने सीख लिया, इसका मतलब है कि आपका टीचिंग सही है। और तीसरा क्या है, आप जो है मेजरमेंट इवेलुएट कीजिए, आप एक मेजरमेंट बनाइए, क्वेश्चन तैयार कीजिए कि आपने क्या क्या पढ़ाया, उसके अनुसार आप क्वेश्चन आप अप्लाई कीजिए बच्चों के ऊपर, और आप देखिए कि बच्चों में जो चेंजेस आने चाहिए, जो लर्न करना चाहिए वो सब लर्न किया है या नहीं, है ना। ये टोटल कार्य हो गया फंक्शन ऑफ टीचिंग वेरिएबल्स में, अर्थात जो टीचिंग का प्रोसेस जो भी पूरा होता है वो सब इसी तरीके से पूरा होना चाहिए। एक शिक्षक को ये ज्ञान नॉलेज रखना चाहिए कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ सकता है टीचिंग के समय, उन सब प्रॉब्लम को दूर करते हुए टीचिंग कंप्लीट करनी चाहिए। चलिए, और बच्चे कुछ इसमें कहीं प्रॉब्लम हो रहा है आप लोगों को, कहीं कुछ दिक्कत समझने में? नो मैम। एकदम इसको अच्छे तरह समझ गए आप लोगों, समझ लिया आप लोगों ने? यस मैम।
यस यस मैम एकदम एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आएगा, अभी लिख लीजिए, मृदुला मैडम ने कहा था ये एग्जामिनेशन में आएगा ही आएगा, कोई कुछ रहेगा इसमें, चाहे टाइप्स दे दे, चाहे फंक्शन दे दे, कुछ भी दे देगी, लेकिन एक वेरिएबल का क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, टीचिंग लर्निंग का क्वेश्चन एक रहेगा ही रहेगा, ये दोनों में से आप देख लीजिएगा एग्जामिनेशन, ये दोनों में से रहेगा ही रहेगा आपको। तो चलिए बच्चे, अब हम तो बोलते बोलते मेरा भी अब हो गया, बस मेरा पावर अब आप लोगों को बस समझना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए। यस मैम क्लियर है। यस मैम क्लियर है। यस मैम लिख देंगे ना फटाफट एग्जामिनेशन में आएगा तो। यस मैम यस मैम हाँ बिल्कुल, हमको बहुत विश्वास है आप लोगों के ऊपर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, अब हम लीव ले लेते हैं। यस मैम थैंक यू मैम थैंक यू मैम थैंक यू मैम थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बच्चे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हम लोग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग सभी को। दो मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्लास शुरू करते हैं, ठीक है? आवाज मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है आप सभी को? यस सर। डिस्टरबेंस नहीं है किसी तरह का आज? नो सर। ओके थैंक यू। एक बार सभी को फिर से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। आप सभी बहुत एनर्जेटिक लग रहे हैं मुझे तो। कैसे हैं सभी? फाइन सर। ठीक है सर। ओके ओके। क्लास की स्ट्रेंथ भी काफी अच्छी है आज। 59 स्टूडेंट्स मुझे ऑनलाइन दिख रहे हैं और 58 ओके
अटेंडेंस सभी ने बना लिया होगा, अटेंडेंस मैंने शेयर कर दिया था और बन गया सर। ओके, कल का कार्यक्रम भी बहुत अच्छा आप लोगों ने अटेंड किया और मुझे लगता है कि अब कुछ जानकारी आपको हो गई होगी कि अब एनएसएस के बारे में। काफी अच्छा आप लोगों का रहा प्रेजेंटेशन, आप लोग को काफी जुड़े रहे सुबह से, काफी कुछ जानकारी हो भी गई होगी अब। चलिए, अब मुदला मैम ने आज आपको मूल्यांकन के बारे में और टीचिंग के बारे में बताया, उनका टॉपिक है टीचिंग लर्निंग। क्योंकि आप लोग बीएड कर रहे हैं और आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में एक स्टार्टिंग पढ़ी थी कि आपके जो शिक्षा है उस शिक्षा में साइकोलॉजी में आप लोगों ने काफी जानकारी की स्टेजेस ऑफ जो आपका है डेवलपमेंट का, सब आप लोगों ने इसके बारे में जाना फर्स्ट सेमेस्टर। कुछ स्टूडेंट्स से वो बाद में एडमिशन लिए, उनको जानकारी नहीं हो पाई, लेकिन अब सभी हैं, 100 स्टूडेंट्स हैं, सभी लोग इसको समझ पाएंगे। आप लोगों का मूल्यांकन हो रहा है क्योंकि हमारा टॉपिक भी मूल्यांकन है और इसमें अधिगम का आकलन, यही आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग TC 204 मूल्यांकन पढ़ेंगे, मापन पढ़ेंगे, आकलन, ये सब इसी में हमको पढ़ना है। और भी कई सारी चीजें हैं इसमें, कई सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको इसकी जानकारी नहीं है। और पिछली जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें मैंने जो चर्चा आप लोगों से जानने का प्रयास किया था, तो आप लोगों ने बताया भी था एक बेसिक उसमें, और उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। उस आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ बात आपको कहना चाह रहा हूँ कि आपकी जो फर्स्ट सेमेस्टर जो एंड हुआ और उसके बाद आप लोगों का हमें मूल्यांकन करना था, और आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर का अपना जो इंटरनल एग्जाम दिया उसमें मूल्यांकन प्रक्रिया चल रही है। चांदनी पांडे लाइन पे है क्या? चांदनी पांडे, यस सर। चांदनी, हम लोग आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं, जो मूल्यांकन हो रहा है वो कौन सा मूल्यांकन कहलाएगा, किस प्रकार का मूल्यांकन होता चांदनी? सर फॉर्मेटिव मूल्यांकन। फॉर्मेटिव होगा, ओके। लालमुनि मिंज है क्या लाइन पे? लालमुनि मिंज, ओके। ममता वर्मा, लालमुनि फर्स्ट सेमेस्टर के बाद आपने एग्जामिनेशन दिया उसके बाद आपका मूल्यांकन हुआ, ये किस प्रकार का था आपका मूल्यांकन हो रहा है जी? सर नहीं पता। अच्छा, चलिए आपको ममता वर्मा, ममता सर ये किस प्रकार का मूल्यांकन आपका है? सर मुझे भी नहीं पता, मैं पिछले क्लास अटेंड नहीं की थी। अच्छा, मूल्यांकन कितने प्रकार का होता है? अभी तो मैम बता रही थी कि मूल्यांकन दो प्रकार का होता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल बहुत अच्छा बताया ममता कि दो प्रकार। नाम बताए थे क्या मैडम ने? ममता नाम बताए थे मैडम ने? हाँ, एक तो कंटिन्यूअस और एक और ऐसे कुछ बताई थी। ऐसे कुछ बताई थी, आपने ध्यान से सुना नहीं था क्या? ध्यान से सुनिए भाई, मैडम एक घंटे लगातार आपको बताते हैं, सुनिए उसको, कॉपी में राइट डाउन कीजिए क्योंकि ऑनलाइन क्लास है। इसमें अब जिस तरह से इंटरेक्शन हो पा रहा है ऑनलाइन मोड पे, हम लोग आमने सामने तो नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से तो है, उसमें भी आपको एक्टिव रहना, कॉपी रखिए और उसको राइट डाउन करते रहिए, जहां समझ में नहीं आता उसको एक बार पूछ लीजिए। और मेरी क्लास में तो आप जानते हैं कि मैं भी यहाँ से एक्टिव रहूंगा और जितने भी स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं सबको एक्टिव रहना है। मैं किसी से भी कभी भी पूछ सकता हूँ कि मैं क्या पूछ रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ और क्या बताया है मैंने। चलिए, मैं सबसे पहले आप लोगों का मूल्यांकन जो किया उस मूल्यांकन में मैंने ये देखा है कि आप लोग जो प्रश्नों को अटेम्प्ट करते हैं जिस तरह से,
उसमें कई सारी कमियां हैं, उसमें कई प्रकार की कमियां मैंने देखी हैं। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि किस तरह से प्रश्नों को अटेम्प्ट किया जाता है, आंसर किस तरह से आपको देना है। मैं ये देखा कि जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उसको आपने बहुत बड़े इस तरह से लिखा है, उसको चार चार तीन तीन पेज का लिखते चले गए हैं। आपको ये जानकारी नहीं है कि आपको किस तरह से लिखना था। हाँ, इस चीज का ध्यान रखिए कि आपको पहले जो शॉर्ट है उस शॉर्ट में कैसे आंसर देना है। आपको ये जानकारी नहीं है क्या? इतना आप लोग ग्रेजुएशन करके आए हैं, पीजी करके आए हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि शॉर्ट में आपको एक से डेढ़ पेज लिखना है, वहां तीन से चार पेज लिख दिया है। और जो लॉन्ग क्वेश्चन था जिसमें आपको तीन से चार पेज लिखना था, वहां एक पेज लिखते हैं, वहां पे आप एक पेज लिखते हैं। तो इस चीज का ध्यान देना चाहिए था ना। तो देखिए, ये चीजें हैं कि आपको मार्क्स अच्छे लेने हैं, अपना प्रेजेंटेशन देना है, पूरा फाइनल था तो आपको लिखना चाहिए था कि आप क्या कर रहे हैं, किस तरह से लिख रहे हैं। कि यदि आप शॉर्ट लिख रहे हैं तो एक से डेढ़ पेज, और लॉन्ग लिख रहे हैं तो उसको तीन से चार पेज। कितना लिखना है, क्या लिखना है, प्रश्न में यदि पूछा जाता है कि मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए एवं उसके जो प्रकार बताइए, तो उसमें आपको क्या करना है कि मूल्यांकन का मीनिंग बता दीजिए, डेफिनेशन दे दीजिए और उसको दोनों का अंतर लिख दीजिए। अंतर कैसे लिखा जाता है? डिवाइड करके लिखा जाता है, शुद्ध लिखा जाता है थोड़ा सा उसको, कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा भी लिखा है। तो मूल्यांकन में कई सारी चीजों को मैंने देखा और उसमें आप समझ पाया कि ऐसा नहीं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। मैं देख पा रहा था कि कॉन्सेप्ट आप लोगों को जो टॉपिक पढ़ाया है उसमें सबका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, लेकिन लिखने का तरीका आप लोगों का मैंने उसमें पाया कि बहुत कमियां थी। नेक्स्ट एग्जाम में इन सब बातों का ध्यान दीजिएगा कि आपको उसमें समय का होता है ना, कि आपको लॉन्ग में ज्यादा समय देना है, शॉर्ट में कम देना है, इसका ध्यान देना था। तो देखिए, मूल्यांकन में ये चीज पता लगी कि आपका मूल्यांकन हुआ। हम लोगों ने लास्ट क्लास में मूल्यांकन पे चर्चा की, अब हम इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे और मूल्यांकन को और अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सबसे पहला यही है, इवोल्यूशन के बारे में हो रही चर्चा। और मूल्यांकन, जैसा कि मैंने बताया था कि हम जीवन में किसी न किसी रूप से मूल्यांकन करते रहते हैं। अभी तो हम शिक्षा से जुड़े हुए हैं, तो शिक्षा हमें जब भी मूल्यांकन का आता है तो हम लोग क्या सोचते हैं, ढेर सारी कॉपियां हैं और उस कॉपियों को हमें चेक करना है, वही मूल्यांकन है। एक यहां तक हमारा कॉन्सेप्ट है कि मूल्यांकन का अर्थ क्या हुआ कि बहुत सारी कॉपियां, उन कॉपियों को चेक करना है, बच्चों को नंबर देने हैं, ये मूल्यांकन कार्य हमारा हो गया शिक्षा में। कि जो एजुकेशनल प्रोग्राम है उसमें कॉपियों को चेक करना, इवेल्युएट करना ही इवोल्यूशन है। एक छोटी सी बात है, लेकिन इस जीवन, हमारे जीवन में हम किसी न किसी तरह से, किसी फॉर्म में हम मूल्यांकन करते रहते हैं। यदि आप कभी इस चीज को ध्यान देने का प्रयास करेंगे तो आप पाएंगे कि हाँ, हम मूल्यांकन करते हैं। हम बाजार में किसी सामान को लेते हैं तो वहां भी मूल्यांकन हमारा रहता है। आप किसी भी तरह से किसी विषय वस्तु पे चर्चा प्रचार करते हैं तो मूल्यांकन करते हैं कि दो लोगों में किसका अच्छा है, किसके विचार अच्छे हैं। तो हम किसी ना किसी रूप में मूल्यांकन करते रहते हैं। इस समाज के डेवलपमेंट के लिए मूल्यांकन बहुत महत्वपूर्ण है, सोशल डेवलपमेंट के लिए मूल्यांकन बहुत महत्वपूर्ण है। आप ये देखेंगे कि तू लड़कियां नहीं बोलती है, सभी से रिक्वेस्ट है मेरा कि थोड़ा सा अलर्ट रहे, एक को म्यूट करते हैं दूसरा अनम्यूट हो जाता है।
तो थोड़ा सा ध्यान दें आप। तो मूल्यांकन आप अब समझ पाएंगे कि ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉपियों को चेक करना ही मूल्यांकन होता है। हाँ, ये बात अलग है कि एक अध्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया हमेशा उसके जारी रहती है। आप देखेंगे अभिभावक हो या टीचर्स हैं या कोई अन्य तरह का और पर्सन है जो इस पोजीशन पे जहां उसको मूल्यांकन करना है, तो उसका मूल्यांकन अलग अलग तरह से रहता है। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व पे भी मूल्यांकन किया जाता है कि वो किस तरह का है, पर्सनालिटी इवोल्यूशन यदि हम कहेंगे उसको। और मूल्यांकन से हम ये जान सकते हैं कि उसके अंदर क्या कमी है और उस कमी को कैसे हमें दूर करना है और क्या सुधार के हम प्रयास कर सकते हैं। मेरी इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा कि उस व्यक्ति के अंदर गुण और दोषों को हमें जानना है। दो चीजें, गुण और दोष, क्या क्वालिटी है उसके अंदर, क्या मेरिट क्या डिमेरिट है, ये हम मूल्यांकन के द्वारा ही जान सकते हैं। और ये आवश्यक, इसकी आवश्यकता भी होती है, नहीं तो हमें जानकारी कैसे होगी, फिर हम कैसे जानकारी प्राप्त कर पाएंगे, हमें नॉलेज कैसे मिलेगा कि क्या चीज सही है क्या गलत है, वो कैसे हमें पता लगेगा, वो मूल्यांकन के द्वारा ही हमें प्राप्त होगा। आप सबके पास अभी इंग्लिश बुक्स का तो कमी है मैं जान पा रहा हूँ, लेकिन जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो मुझे लगता है मैं सामान्य भाषा में समझा रहा हूँ और आप इसको समझ पा रहे होंगे। अभी मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और मैं अपनी तरफ से पूरा भरसक प्रयास करूंगा कि आपको इंग्लिश पीडीएफ सेंड कर पाऊं। ठीक है, आप निस्पिकर होके इसको, मेरी बात को क्यों सुनिए और मनन कीजिए। कॉन्सेप्ट यदि आपका क्लियर हो गया तो आप अपने उससे लिख लेंगे, आप बिल्कुल निस्पिकर रहिए। और मेरा प्रयास रहेगा मैं आपको जो भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ उसका मुझे एक बार बता दीजिएगा, मैं भी प्रयास करूंगा कि आपको सेंड कर दूं। तो इससे निस्पिकर रहिए, पहले भी मैंने कई बार किया है और आगे भी मैं करता रहूंगा। एक माइंड में आपके चल रहा है कि बुक्स नहीं है तो इसको थोड़ा सा हल्का रहिए अभी थोड़ा सा। अब बुक्स में जो हिंदी बुक्स लिए हैं उनके पास तो बुक्स बहुत बड़ी है, तो वो लोग क्या पढ़ें कहाँ से पढ़ें, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको एक बार स्टडी जरूर कर ले, आपके लिए सफिशियंट रहेगा। और कहीं यदि आपको समस्या आती तो मुझसे कभी भी आप डिस्कशन या मुझे कॉल करके मुझे जानकारी ले सकते हैं। कौन पूछती, चलिए आगे चलते हैं। तो हमें ये जानना, हम मूल्यांकन की बात कर रहे थे कि मूल्यांकन बहुत महत्वपूर्ण है कि किसी भी सब्जेक्ट के कंटेंट के लिए उसकी उपयोगिता के बारे में फाइनल करना, या हम कह सकते हैं जैसे उस दिन कह रहे थे फाइनली जजमेंट होता है, तो मूल्यांकन एक प्रकार का फाइनली क्या है, एक प्रोसेस, फाइनली जजमेंट की एक प्रोसेस है। और मैंने उस दिन भी बताया था आपको कि मूल्यांकन हमेशा किसके अनुसार होता है, किसके अनुरूप होता है, उद्देश्यों के, ऑब्जेक्टिव्स के। हमेशा ध्यान रखिए कि जो उद्देश्य है यहाँ, मूल्यांकन का जो संबंध है उद्देश्यों से होता है, गहरा संबंध। जिस तरह से हम लोग कहते थे ना, आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते थे, वातावरण का संबंध किससे बताया गया था, वंशानुक्रम से। और यदि आज भी यदि मैं पूछूं कि वंशानुक्रम महत्ता रखता है कि वातावरण, तो आप लोग कहेंगे नहीं सर, वातावरण भी महत्ता रखता है और आपका वंशानुक्रम, क्योंकि दोनों का प्रभाव बच्चे पे, बालक पे पड़ता है। इसी तरह से मूल्यांकन और उद्देश्यों में घनिष्ठ संबंध है। आप कहेंगे सर कैसे, इसको भी मैं बताता हूं आपको कि हमें यह निर्धारण करना है। जैसे अभी वागी सर ने परसों आपको शिक्षा के उद्देश्य बताए थे, मैंने भी कुछ एक दो पॉइंट बताए थे, आप दिमाग अपने मस्तिष्क में शिक्षा के उद्देश्यों को ध्यान में रखिए हमेशा। आप बीएड करने आए हैं, आपका एक उद्देश्य है कि आप अच्छे से ट्रेनिंग करें, और आपका लक्ष्य है कि एक आप सफल शिक्षक बने, एक आदर्श शिक्षक बने, ये आपका लक्ष्य है। आपका उद्देश्य अभी क्या है, अच्छे से बीएड और उसका अच्छे से ट्रेनिंग करें, और वो आपका हो रहा है। उसी तरह से शिक्षा के क्षेत्र में
किसी बालक ने शिक्षा के क्षेत्र में किसी बालक ने उद्देश्यों को जो उद्देश्य है जो उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है, हम पहले उद्देश्यों का क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं, हम तय कर लेते हैं ये हमें उद्देश्य प्राप्त करने हैं, तो उसको कहां तक गेन कर लिया है, कहां तक प्राप्त कर लिया है, और ये हमें कैसे पता लगेगा कि उद्देश्यों का कहां तक उसने प्राप्त किया है, ये मूल्यांकन के द्वारा ही प्राप्त पता लगेगा, मूल्यांकन से ही पता लगेगा। पिछली क्लास में मुझे सबका पता है कि पिछली लास्ट क्लास में उन्होंने बताया था, मैरी ने समान उद्देश्य की चर्चा की थी और विशेष उद्देश्य के बारे में बताया था। हमारा क्योंकि वर्तमान की शिक्षा चाइल्ड सेंटर्ड है तो बालक ने कितनी प्रगति कर ली, स्टूडेंट ने कितना सीखा है, यही मर्दुला मैम बता रही थी, मैं भी सोच रहा था मैम ने तो काफी कुछ बता दिया है, लेकिन उसी कड़ी को मैं, क्योंकि आज आपको मूल्यांकन ही पढ़ना है, उस टाइम भी मूल्यांकन पढ़ा तो आप मुझे लगता है बहुत अच्छे से आप समझ जाएंगे कि स्टूडेंट ने जो भी प्रोग्रेस की है और जो उसने नॉलेज गेन की है, ये हमें कहां से पता लगेगा, मूल्यांकन से ही पता लगेगा। ये हमें किसके द्वारा पता लगेगा, मूल्यांकन के द्वारा ही पता लगेगा। आप सभी जान रहे हैं कि कुछ आपके ऑब्जेक्टिव्स भी आते हैं, तो इसमें आप लोगों ने बुक्स में देखिएगा कि यदि आएगा कि एक है कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन, इसको हम कह सकते हैं मूल्यांकन की अवधारणा, ये बुक्स एनसीईआरटी के द्वारा लिखी गई है, उनके द्वारा है। ऑब्जेक्टिव्स में इस तरह के आते हैं प्रश्न कि ये बुक्स किसके द्वारा है, ये बुक्स किसके द्वारा है, नाम आ जाएगा कि एनसीटी एनसीईआरटी यूजीसी या एआईसीटी कुछ भी आएगा इस तरह से। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन ये एनसीईआरटी के द्वारा बुक लिखी गई है। उन्होंने भी मूल्यांकन के बारे में काफी कुछ चर्चा की है, क्योंकि ये एक संस्था है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और ये शिक्षा के बारे में जो सुझाव आते हैं और उनपे मूल्यांकन करती रहती है ये संस्था। उनकी जो बुक्स है उस बुक्स में शिक्षा के सॉरी जो मूल्यांकन के हैं स्टेप्स उसके बारे में बताया गया है, इसको मैं आगे बताऊंगा आपको। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने मूल्यांकन के बारे में जो अभी सामान्य अर्थ जाना, इसके बाद है कि मूल्यांकन के प्रकार। आप लोग बहुत अच्छे से अब समझ चुके हैं कि मूल्यांकन के दो प्रकार होते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार और जान लेता हूं और ये मैं पूछूंगा स्वाति सिंह से। स्वाति सिंह, स्वाति क्या आप ऑनलाइन हैं? स्वाति सिंह हेलो सर। स्वाति मूल्यांकन के दोनों प्रकारों के नाम बताइए। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग स्वाति, मूल्यांकन के दोनों प्रकारों के नाम आपको पता है क्या? नो सर। ओके नो सर। करुणा लिंडा, करुणा लिंडा यस सर। मूल्यांकन के दोनों प्रकारों के नाम बताइए। सर मूल्यांकन के दो प्रकार, एक है सतत मूल्यांकन कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन और दूसरा है कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जो इसको हिंदी में व्यापक मूल्यांकन कहा जाता है।
ओके ठीक। आपने दो दो प्रकार के मूल्यांकन बताए यहाँ पे। अब मैं आपको और ओके ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि मूल्यांकन के दो प्रकार और बताए गए हैं, और ये जो वर्गीकरण किया गया है, क्लासिफिकेशन जो किया गया है मूल्यांकन के प्रकार का, ये मूल्यांकन का प्रकार मिचेल स्क्रीवेन ने किया था। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मिचेल स्क्रीवेन 1967 में मिचेल स्क्रीवेन के द्वारा जो मूल्यांकन का क्लासिफिकेशन किया गया वो दो प्रकार से उसमें भी किया गया। उसमें दो प्रकार जो बताए गए थे, एक मूल्यांकन का जो प्रकार था फॉर्मेटिव और दूसरा था समेटिव। फॉर्मेटिव संरचनात्मक और दूसरा है आपका युगात्मक। सर दूसरा फिर से बोलिएगा। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, सबसे पहला वाला है संरचनात्मक और दूसरा है युगात्मक। ओके ये दो मैं आपको भेज दूंगा, मैं आपको भेज दूंगा। आप निस्पेकर रहिए, हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं, मैं आपको इसको भेज दूंगा, निस्पेकर रहिए ठीक है। तो इसमें जब हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे संरचनात्मक की। आप सभी जान रहे हैं कि उस दिन बताया भी था कि जो संरचनात्मक होता है ये प्रारंभिक मूल्यांकन होता है। ये मूल्यांकन कैसा है? प्रारंभिक मूल्यांकन है। जिस प्रकार से जो शुरुआत में हम लोग किसी टेस्ट को लेते हैं, या कोई आपका यूनिट टेस्ट है या मंथली टेस्ट है या किसी भी टॉपिक का एग्जाम लेते हैं, तो संरचनात्मक में होता है, ये सामान्य भाषा में है। लेकिन यदि हम थोड़ा सा इसको व्यापक तौर पे यदि हम अध्ययन करें संरचनात्मक को, तो ये कहा जाता है कि जब कोई भी जो हमारा एजुकेशनल प्लानिंग है या कोई भी हमारा कार्यक्रम है उसकी जो प्रारंभिक अवस्था कह सकते हैं, प्रारंभिक अवस्था में हो और उसका मूल्यांकन कर उसमें सुधार किया जा सके, इस प्रकार के मूल्यांकन को हम क्या कहेंगे? फॉर्मेटिव इवोल्यूशन कहेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब कोई भी शैक्षिक योजना अपनी प्रारंभिक अवस्था में हो और उसका मूल्यांकन कर उसमें सुधार किया जा सके, इस प्रकार की मूल्यांकन को हम संरचनात्मक यानी फॉर्मेटिव इवोल्यूशन कहते हैं। अब आप कहेंगे सर किस प्रकार से आप कह सकते हैं इसको? एक सामान्य उदाहरण हम लेंगे और आप भी इसको देख पाएंगे, आपने इसको अध्ययन भी किया होगा, कि मान के चलिए हम किसी तरह की किसी पुस्तक को लिखा गया और उसकी पहली उसमें उसकी जांच की गई, जो पहले उसको जो पुस्तक को लिखा गया जो किताब लिखी गई है, लेकिन बाजार में उस पुस्तक को आने से पहले एक बार उसका क्या होता है? मूल्यांकन किया जाता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, संरचनात्मक बता रहा हूं कि किसी भी पुस्तक को लिखा, उस पुस्तक को मार्केट में आने से पहले उसकी हमने जांच की, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग में क्या होता है? उसके अंदर क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या गुण दोष हैं, उसके बारे में हमने अध्ययन किया कि ऐसा तो नहीं कि उसमें गलत कंटेंट है या किसी तरह का कुछ कमियां है। तो ये इसका एक बिंदु होता है, एक भाग है संरचनात्मकता का, कि हमने उसके गुण और दोषों के बारे में जाना, उसका पता कराया और फिर उसकी जानकारी हमने सामने रखी कि कमियों को क्या क्या है उसके बारे में निकाल दिया कि किताब जो बंद छप रही थी उसमें ये दिया कि ये गलत कंटेंट उसमें जा रहा है, और फिर उस कमियों को क्या किया? दूर किया कि इसको ये, जैसे मान के चलिए एक किताब है उसमें टॉपिक था प्रकाश संश्लेषण, और प्रकाश संश्लेषण की टॉपिक था और उस टॉपिक में देखा कि
आपका केमिस्ट्री का कोई पिक्चर आ गया तो गलत हो गया, तो उसको कमी को दूर करके वहां पे उस पिक्चर को हमने दूर कर दिया क्योंकि वो अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में था। तो ये जो प्रक्रिया थी ये मूल्यांकन ही कहलाएगा हमारा संरचनात्मक मूल्यांकन। अब हम क्लास में क्या करते हैं, देखिए क्लास में यदि हम गए और हमने किसी चीज को बता रहे हैं, स्टूडेंट्स को बता रहे हैं और स्टूडेंट से हमने उस चीज को जानने का प्रयास किया, तो स्टूडेंट ने जब आंसर गलत दिया तो हमने उस सुधार करके उसको बता दिया कि ये इस तरह का होगा। आपका हमने टेस्ट लिया मंथली या आपका यूनिट टेस्ट लिया, किसी तरह का वीकली टेस्ट लिया, उस टेस्ट में आपकी जो कमी थी उस कमी को हमने बता दिया कि ये चीज आप इस तरह से कीजिएगा, सुधार कर लीजिएगा। तो जो संरचनात्मक मूल्यांकन होता है उसमें तीन भागों में बांट दिया जाता है। सबसे पहले गुण दोषों के बारे में जानकारी करना, फिर उसको आपको क्या करना है, फिर उस गुण दोषों को सामने लाना और फिर उन गुण दोषों को दूर करके, उस गुण दोषों को दूर करके फिर जो भी आप उसमें सजेशन दे रहे हैं उसको सामने रखना सबके कि नहीं ये आंसर गलत है, इसका आंसर ये होना चाहिए, ये इस तरह का। तो वहां पे जब वो पुस्तक छप रही थी उस पुस्तक की फर्स्ट ड्राफ्टिंग हुई तो उसमें सारी कमियों को निकाला और सामने निकाल के रखा और फिर उसमें सुधार करके फिर वो पुस्तक कहां आई, मार्केट में आ गई। इसी तरह से फॉर्मेटिव मूल्यांकन में आप केवल एक उदाहरण मैंने बताया है, आप कई सारी चीजें इसमें ला सकते हैं। आप किसी तरह का टीचिंग लर्निंग मटेरियल को यूज करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले उसके बारे में पूरी जानकारी कर लीजिए, कोई कमी है कुछ है पूरी तरह से, फिर उसके बाद फाइनली होके क्लास में उसको प्रेजेंटेशन कीजिए। हमें हर एक विषय वस्तु का मूल्यांकन करना अति आवश्यक है। यदि हम मूल्यांकन नहीं करेंगे तो हम लास्ट में हो सकता है कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमी पाए, फिर हमें समस्या आ सकती है। ये चीज मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार यदि हम एक सामान्य भाषा में, अब मैं योगात्मक को आपको बताऊंगा, समेटिव मूल्यांकन की चर्चा करूंगा, तो यहां पे हम बात करेंगे जब वो प्रारंभिक अवस्था थी तो ये कैसी होगी, लास्ट स्टेज होगी यहाँ पे, कि किसी शैक्षिक कार्यक्रम को अंतिम रूप प्रदान करना। ये क्या है, युगात्मक यानी समेटिव। अभी आप लोग प्री यूनिवर्सिटी या इंटरनल एग्जामिनेशन देते हैं और आपको फाइनल एग्जामिनेशन देना होता है यूनिवर्सिटी का, तो हम आपका प्री ले लेते हैं। प्री में आप मान लीजिए कि वो आपका शुरुआत हो गई और वो आपका जो यूनिवर्सिटी वाला है वो फाइनल हो गया, तो फाइनल एग्जाम में आप अंतिम पड़ाव पे होते हैं, वहां हर एक चीज क्या होती है, क्लियर होती है, स्पष्ट होती है। वहां पे आपको हर एक चीज का क्या हो सकता है कि वहां पे भी जो आपकी स्थिति है उसके बारे में जानकारी आपको हो जाएगी, क्योंकि आप रचनात्मक जो मूल्यांकन है उस मूल्यांकन से होके आए लेकिन फिर भी कुछ कमियां रह जाती हैं, वहां पे उसकी जानकारी हमें हो जाती है। मैं आप सबको एक बात बताऊंगा तो आप के सर कहेंगे कि आपने, आप सब यहां से कुछ बुक्स लेके गए हैं और आप बुक्स में देखेंगे कि दो बुक्स हैं महाविद्यालय में और मैंने सभी राइटर की बुक्स देखी, उसमें मैं देखता हूँ कि आजकल जो भी राइटर है सबकी बुक्स एक जैसी है। आप इसको देखिएगा, जो बुक्स आप लोग ले गए हैं उस बुक्स को देखिएगा, वही वहां से छप गया है, वही उन्होंने कहीं ना से छप दिया है, ये मैंने कमी पाई। अध्यापक मूल्यांकन लगातार करते रहते हैं।
आपकी जो बुक आप ले गए उसमें भी आप बहुत एक सिंपल एग्जांपल आपका दिया हुआ है योगात्मक मूल्यांकन का, उसको आप देखिएगा। उसमें कहा गया कि मान के चलिए कोई विद्यार्थी अपने अध्यापक से कहते हैं कि सर मुझे बुक सजेस्ट कीजिए, मुझे इस पेपर का अध्ययन करना है, इस विषय का अध्ययन करना, तो या किसी विषय का अध्ययन करना है तो मुझे कोई बुक बताइए। तो वहां पे अध्यापक क्या करेंगे, क्योंकि उस विषय संबंधित कई सारी पुस्तकें उपलब्ध हैं पुस्तकालय में, तो वो सारी पुस्तकों को छोड़कर सिर्फ एक जो पुस्तक बहुत अच्छी होगी वो उस पुस्तक का नाम विद्यार्थी को बताएंगे, क्योंकि अध्यापक ने कई सारी पुस्तकों का अध्ययन किया और जो पुस्तक जो सबसे सर्वोत्तम पुस्तक थी वो विद्यार्थी को सजेस्ट की। जो सबसे बेस्ट होता है लास्ट में वही युगात्मक मूल्यांकन के द्वारा पता लग पाता है, यानी समेटिव इवैल्यूएशन के द्वारा। आप इसका और अध्ययन कीजिएगा, हो सकता है कुछ और जानकारी आपको मिलेगी। अब हम बात करेंगे मूल्यांकन के चरण की, बात करेंगे आप स्टेप्स ऑफ इवोल्यूशन प्रोसेस कि मूल्यांकन प्रक्रिया के चरण कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला यहां पे जो हमें जो चरण है सबसे पहला, क्योंकि हम उद्देश्यों की बात से शुरू हुए थे, तो टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स शिक्षण उद्देश्यों की बात होगी। शिक्षा के उद्देश्य ही सबसे पहले आते हैं, सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य जो है जो मूल्यांकन का पहला चरण है यही है कि हमें सबसे पहले उद्देश्यों का निर्धारण करना है। कैसे क्या होता है इसमें, हमें ये ध्यान रखना है कि जो हम कुछ जर्नल ऑब्जेक्टिव्स रख रहे हैं कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स रखते हैं, ये क्या होता है जर्नल ऑब्जेक्टिव्स और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। जब हम किसी विद्यार्थी जिस क्लास में हम टीचिंग करने जाते हैं तो वहां पे हमें समान उद्देश्यों का ध्यान रखना पड़ता है। बोले सर हम कैसे ध्यान रख पाएंगे, यहाँ पे मान के चलिए कि हमें विद्यार्थियों को विज्ञान विषय पढ़ाना है, विज्ञान विषय मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, विज्ञान विषय की बात कर रहा हूं मैं अभी। तो विज्ञान विषय जब हम पढ़ा रहे हैं तो विज्ञान विषय क्या कहता है, विज्ञान विषय का उद्देश्य यह है कि छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। आप लोग ये मेथड में भी आप लोग पढ़ेंगे, अपने हर विषय का अपना एक उद्देश्य होता है, लेकिन यदि हम सामाजिक विषय की बात करेंगे तो वहां क्या है, विद्यार्थियों में सामाजिकता या सामाजिक उद्देश्यों को उत्पन्न करना, विद्यार्थी के अंदर जो सामाजिक गुण है उसके बारे में जानकारी देना। और क्या कहता है समान उद्देश्य, विज्ञान से क्या होता है, विज्ञान से छात्रों में बौद्धिक विकास, तार्किक विकास यानी लॉजिकल डेवलपमेंट होता है, वहां पे इसके द्वारा जो लॉजिकल तार्किक कैसे होता है। आप यदि साइंस के बारे में आप सब लॉजिक की जरूरत पड़ती है, ऐसा नहीं कि सर आप कहेंगे सिर्फ वहीं पे, लेकिन कुछ वहां पे लॉजिक ऊंचा होता है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा तार्किक चिंतन है और जो बौद्धिक विकास है मेंटल डेवलपमेंट उसको ध्यान में रखना है, हमें आसपास के वातावरण का अध्ययन कराना है, ये समान उद्देश्य है। अब हम यदि विशिष्ट उद्देश्य की बात करेंगे स्पेसिफिक, और जो उद्देश्य होता है वो होता है टॉपिक से संबंधित, टॉपिक छोटा होता है, कोई भी टॉपिक हो सकता है। यहां मैं टॉपिक आपको बताता हूँ कि मान के चलिए
फोर्स, साइंस में फोर्स है। तो टॉपिक्स में जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स कह रहा है कि बच्चे को बल के बारे में अध्ययन कराना, बल के बारे में परिभाषित करना, बल के सामान्य जानकारी देना, बल के प्रकारों के बारे में बताना, ये सब स्पेसिफिक है। तो यही आपका मूल्यांकन का पहला चरण है कि उद्देश्यों का निर्धारण करता है। अब मूल्यांकन में सबसे पहले हम जब उद्देश्यों को निर्धारित कर लेते हैं कि हमें बच्चे को सामान्य उद्देश्य और विशेष उद्देश्य का ध्यान रखना है, ये पहला चरण है, पहला कदम होगा हमारा मूल्यांकन का स्टेप का। इससे क्या होगा कि ये निर्धारित हो जाएगा कि हमें उद्देश्यों का निर्धारण करने है, कि क्लास में जाने से पहले हमने ये निर्धारण कर लिया कि बच्चे को विज्ञान विषय में बल के बारे में जानकारी देंगे कि बल क्या है, बल के प्रकार क्या होते हैं, बल के उदाहरण एग्जाम्पल क्या है। ये हमारे उद्देश्य हैं, उद्देश्यों का निर्धारण किया। अब अगला स्टेप चलते हैं हम लोग मूल्यांकन का। मूल्यांकन प्रक्रिया में जो अगला स्टेप होता है वो होता है लर्निंग एक्टिविटीज, जिसको हम बोल सकते हैं प्लानिंग द लर्निंग एक्सपीरियंस, अधिगम अनुभव की योजना बनाना। पुस्तक के आपके सब कुछ लिखा हुआ किताब में, लेकिन मैं उसको एक्सप्लेन अपने भाषा में कर रहा हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। अब इसमें क्या होता है, अधिगम क्रियाओं का आयोजन करना। अधिगम का मतलब आप समझ रहे हैं, लर्निंग एंड टीचिंग जो आपकी पहला पेपर है, अधिगम शिक्षा का महत्वपूर्ण भाग होता है। मैंने एक मूल्यांकन का निर्धारण जो है, मूल्यांकन का जो स्टेप है उसमें अधिगम महत्वपूर्ण एक चरण है। विद्यार्थी क्या सीख रहा है, या फोटोसिंथेसिस के बारे में बता रहे थे, या हम संसद के बारे में पढ़ा रहे थे, हम कोण के बारे में बता रहे थे, बच्चे उसके जो टीचिंग पॉइंट है उनको हमें सिलेक्ट करना होता है कि ये बच्चे इसको जान जाएं। टीचिंग पॉइंट क्या होगा, टीचिंग पॉइंट होगा फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स, एग्जाम्पल्स ऑफ द फोर्स, इनको हमें ध्यान में रखना है। अब बच्चा कैसे सीखेगा इसका ध्यान रखना है। और जब बच्चा विद्यार्थी छात्र इसको जान जाएगा तो निश्चित तौर पे आप देखेंगे उसके बिहेवियर में क्या आएगा, चेंज आएगा, क्योंकि अब उसको नॉलेज हो चुका है कि व्हाट इज फोर्स एंड द टाइप, वो जान जाएगा कि टाइप्स ऑफ फोर्स एंड एग्जाम्पल्स ऑफ द फोर्स। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अलग अलग टीचिंग मेथड का यूज करना पड़ेगा। लर्निंग प्रोसेस को जो है, जो लर्निंग एक्टिविटीज है वहां पे आपकी जो टीचिंग मेथड है वो आपके हेल्पफुल करेंगे बहुत। हमको कई सारी बातों का और ध्यान रखना पड़ता है कि विद्यार्थी किस लेवल का है, कि वो उसका बैकग्राउंड क्या है, कई सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। उसकी लर्निंग प्रोसेस में यदि हमें हेल्प करनी है, लर्निंग एक्टिविटीज में हेल्प करनी, तो उसकी हमें हर एक चीज पे ध्यान रखना है। आप देखते हैं आपका लेवल हाई है, यदि हम बीएड और डीएड क्लास की बात करते हैं तो आपको हमारा टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस होता है वो स्टेप होता है वो अलग होता है, और डीएड के लिए हम लोग अलग तरह का यूज करते हैं। जो लास्ट है स्टेप मूल्यांकन की प्रक्रिया का, उसमें आपका आता है चेंज इन बिहेवियर, इसी का पार्ट हो सकता है, जिसको हम कहते हैं व्यवहार में परिवर्तन या मूल्यांकन। जब आपने क्लास में ऑब्जेक्टिव्स तय कर लिए हैं और आपने अधिगम की जो प्रोसेस थी वो तय कर ली है, तो लास्ट में आपको मूल्यांकन करना। मूल्यांकन आप कैसे करेंगे, मूल्यांकन के कई सारे साधन होते हैं, कई सारे टेक्निक होती है, कई सारी टेक्निक्स का यूज करते हैं। सामान्य यदि आप देखते होंगे जो प्राइमरी सेक्शन का जो अध्यापक होता है वो क्या टेक्निक यूज करता है, कुल एक रिटन या ओरल, दो तरह की तकनीकों का प्रयोग करता है। लेकिन आप जब एक बीएड के स्टूडेंट्स हैं तो आपको यहाँ पे अलग अलग तकनीकों के बारे में हम बताएंगे कि आप मूल्यांकन किस तरह से करेंगे, आप मूल्यांकन विद्यार्थी का कैसे करेंगे,
मूल्यांकन करने के लिए हमें कई सारे परीक्षण करने पड़ते हैं। बोले सर ये परीक्षण कौन कौन से होते हैं, हम आगे इसको पढ़ेंगे, लेकिन मैं सामान्य अभी बता देता हूं। बच्चों की उपलब्धि का परीक्षण हमें करना पड़ता है, बुद्धि परीक्षण करने पड़ते हैं, आईक्यू टेस्ट लेना पड़ता है। हम यदि किसी को सामान्य तौर पे किसी का टेस्ट लेना चाहते हैं तो आप अभी मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ और टॉपिक के लास्ट में मैं आपका टेस्ट लूंगा, मूल्यांकन बारे में आप कितना जान पाए कितना समझ पाए हैं। इसमें मूल्यांकन में हमें क्या क्या यूज करना है, लिखित लेना है कि मौखिक लेना है, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, रिफोर्समेंट भी उसमें करते हैं, यानी फीडबैक जो आपको प्रश्न पोषण देते हैं कि आप लोग यदि अच्छा बताते हैं वही सामान, वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। और यदि इसी का एक पार्ट क्या है, लास्ट स्टेप का मूल्यांकन का जो पार्ट होता है, वो क्या करते हैं, आपके जो नंबर आपने प्राप्त किए हैं जिसको हम प्राप्तांक कहते हैं, उसको हम लोग एनालाइज करते हैं और उसके बारे में बताते हैं। अभी देखिए वही चल रहा, मूल्यांकन की प्रक्रिया चल रही कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपने कितना क्या किया है, ये लास्ट स्टेप है। क्योंकि देखिए सबसे पहले देखिए मैं आपको अभी तक जो मैंने बताया हो सकता है वो समझ में नहीं आ रहा हो क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन आपको अपने व्यवहार में बताते हैं। आप लोगों ने एडमिशन लिया था वो छोड़ दीजिए, आपको मैंने एक पेपर पढ़ाया था TC 104, मैंने उद्देश्यों का निर्धारण किया कि मुझे आपको अनुशासन के बारे में बताना है, TLM के बारे में बताना है, मैंने ये निर्धारण किया। फिर मैंने वहां पे लर्निंग के लिए TLM का यूज किया, PPT का यूज किया, अन्य यूज किए। फिर लास्ट स्टेप था मूल्यांकन। मूल्यांकन में आप देखिए आपका मूल्यांकन चल रहा है, आपका मैंने टेस्ट लिया, बीच बीच में आपको प्रेजेंटेशन भी करवाया और यहाँ पे आपका इंटरनल एग्जाम हुआ। अब तो मुझे लगता समझ में आया, क्या सभी को ये बात की समझ में आया क्या जो मैंने अभी बताया? सर एक बार रिपीट। यस यस सर। यस सर। मैं फिर से रिपीट, जानने हैं स्टेप्स, जानने हैं स्टेप्स ऑफ इवोल्यूशन प्रोसेस। तो देखिए सबसे पहले आपके लिए मैंने उद्देश्यों का निर्धारण किया कि आपका 104 में आपको कैसे कैसे क्या क्या कहां तक ले जाना है, ठीक। इसके बाद मैंने लर्निंग प्रोसेस एक्टिविटीज में क्या किया कि आपको PPT के माध्यम से बताया, आपको क्या कहते हैं प्रेजेंटेशन करवाया आपसे कि आप लोग एक एक टॉपिक के बारे में बताइए, ये सेकंड स्टेप में था। फिर इसके बाद आप लोग कितना जान पाए कितना सीख पाए इसके लिए मूल्यांकन हुआ, फिर इसके लिए आपका इंटरनल टेस्ट हुआ, फिर इसमें आपको अभी वो मूल्यांकन चल रहा है अंतिम स्टेप। अब क्लियर हुआ सभी को? Yes, sir. यहां पर जो अभी अंतिम पड़ाव चल रहा है, इस पड़ाव के बाद आप ये जान जाएंगे कि जो तीन स्टेप है मूल्यांकन के, और फिर आपको उस जो प्राप्तांक होंगे उससे आपको जानकारी होगी आपके, जो मैं लास्ट में कहा प्राप्तांकों का विश्लेषण और उसकी व्याख्या करना लास्ट में, कि आपके पता लग जाएगा कि जब डिस्प्ले हो जाएगा आपके कॉलेज के बोर्ड पे तब आपको वो मूल्यांकन का अंतिम पड़ाव होगा। मूल्यांकन के उपकरण और यानी टेक्निक और जो टूल्स और टेक्निक होते हैं उसमें कई सारे चीजें होती हैं, जैसे हम कई सारे प्रश्नावली जो क्वेश्चन आर देते हैं उसका है, आपके कई सारे टेस्ट का जो प्रोसेस जो है वो लिया हम बीच बीच में, और भी कई सारी चीजें हैं इसमें। यहां तक मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे एक यहां पे जो पॉइंट है आपका, मूल्यांकन के उद्देश्य और क्या हो सकते हैं। अभी हमने चरण की बात की, अब हम जानेंगे मूल्यांकन के उद्देश्य क्या हैं, कि किस उद्देश्य से मूल्यांकन किया जाता है। अभी तक तो अब मैं बोला हूं 45 मिनट्स, अब मैं आप लोगों से जानकारी लेना चाहता हूं कि आप लोग क्या क्या समझते हैं अपने ज्ञान में कि मूल्यांकन के क्या उद्देश्य होते हैं।
तो सबसे पहले मैं केशव किशोर जी, आई एम ऑडिबल? यस सर ओके थैंक। हाँ केशव जी, मुझे केवल एक मूल्यांकन का उद्देश्य बताइए। सर मूल्यांकन का उद्देश्य, हम किसी का मूल्यांकन करते हैं तो उससे उसकी कमियां और कहां पे उसका मतलब कमियों के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं मूल्यांकन करके। ओके नेक्स्ट लक्ष्मी कुमारी, रोल नंबर 51। लक्ष्मी कुमारी रोल नंबर 51। मंसिका जैन रोल नंबर 10। यस सर। सर मूल्यांकन हम लोग इसलिए करते ताकि हमको पता चल सके कि बच्चा कितना समझ पाया, उसे कितना समझ में आया जो हम उसे बता रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, और साथ ही अगर उसको नहीं समझ में आया तो उसको हम लोग इवैल्यूएशन के थ्रू उसको और अच्छे से समझा भी सकते हैं, उसके क्या कमी है वो भी जान सकते हैं। ठीक है, सभी लोग ध्यान से सुनते रहिए, जो आपके साथ में सभी लोग बता रहे हैं उनको ध्यान से सुनते रहिए। नेक्स्ट है मुन्ना कुमार जी, मुन्ना मेरी आवाज आपको आ रही है? मुन्ना कुमार मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? पवन कुमार नेक्स्ट, पवन जी। यस सर। मूल्यांकन का उद्देश्य बताइए थोड़ा सा, एक उद्देश्य सिर्फ। सर मूल्यांकन का उद्देश्य यह हुआ कि बच्चा किस हद तक ज्ञान को अर्जित कर पाया उसका मीन्स जांचना सर एक तरह से। ओके थैंक यू। आरती कुमारी, आरती कुमारी सर, छात्रों की कमियां तथा उसके गुणों को जानकारी प्राप्त होती है मूल्यांकन करने से। ओके एक लास्ट और मैं पूछ लेता हूं, अंकिता रानी, अंकिता अंकिता मेरी आवाज, आई एम ऑडिबल? यस सर। यस सर। हैंड राइज किसका था? श्रुति का था क्या? यस सर। बताइए श्रुति आपका। सर एक हमारा पर्पस ये भी होता है कि जो हमने प्लान बनाया है मतलब एक पूरे ईयर का, वो कितना इफेक्टिव है या उसमें कोई किसी तरह का मॉडिफिकेशन चाहिए, तो वो भी हमें इससे पता चल जाता है। ठीक, अच्छा है। देखिए आप लोग ऐसा नहीं कि जानते नहीं कि मूल्यांकन के क्या उद्देश्य है, लेकिन उसको अभी बताने में एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा आपको कठिनाई आ रही है। मूल्यांकन कई उद्देश्यों के लेकर किया जाता है। मैंने आपको शुरू में कहा कि मूल्यांकन उद्देश्य बहुत घनिष्ठ संबंध है। मूल्यांकन का उद्देश्य कई सारा है। पूजा कुछ कहना चाह रही है, पूजा बताइए। सर मूल्यांकन के थ्रू टीचर्स स्टूडेंट का तो इवैल्यूएशन करते हैं, बट इसके थ्रू टीचर्स अपना भी इवैल्यूएशन कर सकते हैं कि उनका टीचिंग कितना इफेक्टिव रहा है। मुझे जहां तक याद आ रहा है कि आपने आज से 3 महीना 4 महीना पहले भी जब मैंने मूल्यांकन पढ़ाया था आपने यही चीज बताई थी। बिल्कुल सही है, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि ये भी एक प्रोसेस चलता रहता है। मैं सही बोल रहा हूँ? यस सर। यही मेरा मूल्यांकन यही रहता है कि आप लोग
कहाँ तक सीख रहे हैं, क्या है, और साथ साथ में मैं अपना मूल्यांकन भी करता हूँ कि जिस टीचिंग मटेरियल या जो मैं प्रोसेस है, जो मैं टीचिंग मेथड यूज कर रहा हूँ, और डिस्कशन है मेथड है या क्वेश्चन आंसर मेथड है, किसी भी तरह का मेथड, कि वो क्या आपके लर्निंग प्रोसेस में, लर्निंग एक्टिविटीज में क्या हेल्पफुल है। ये भी एक मैंने अभी बताया ना, सेकेंड स्टेप जो मैंने बताया था आपको, आपको लर्निंग एक्टिविटीज का, ये वही पार्ट है मूल्यांकन का सेकेंड स्टेप। तो यहाँ पे मैं कुछ उद्देश्य बता देता हूँ आपको। सबसे पहला उद्देश्य मान सकते हैं आप ज्ञान की जांच करना, मूल्यांकन का उद्देश्य है। आप सब जान रहे हैं कि कहां तक आपने नॉलेज गेन किया। नेक्स्ट, कि बालक के विकास की जानकारी करना, कि विद्यार्थी के डेवलपमेंट कहां तक हो पाया है। डेवलपमेंट आप सब जान रहे हैं, मैं ग्रोथ की बात नहीं बोली मैंने, मैंने ये तो नहीं बोला ना कि ग्रोथ की बात बोली हो मैंने, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि आपका आपका डेवलपमेंट कहां तक हुआ। आप यदि मेरे, आप मेरे टीचर जो बोल रहे हैं उनकी बात को समझेंगे अच्छे से, तो आप जानेंगे कि जो भी चीज बोली गई है हो सकता बिल्कुल उसमें बोली गई है। मैंने ये नहीं बोला कि स्टूडेंट की वृद्धि करना, विकास, और उस विकास में कौन कौन से बाधक तत्व हैं उसके बारे में जानकारी करना, ये भी मूल्यांकन के उद्देश्य में आता है। इसके बाद व्यक्तिगत भिन्नताओं की जानकारी करना, यानी कि इंडिविजुअल जो डिफरेंस है आपके, जो क्लास में हम लोग ये देखते हैं मूल्यांकन के द्वारा, ये जानकारी करते हैं कि आपका क्या इंडिविजुअल डिफरेंस है, कि सोनाली लकड़ा में क्या क्वालिटी है, अलविना टुट्टी में क्या है, आनंद कुमार में क्या है, या खुशबू कोमल, लक्ष्मी, दिव्या, दयानंद, चांदनी, भारती, सब में अलग अलग इंडिविजुअल जो आपकी डिफरेंस हैं, जो भिन्नताएं हैं, उसको हम मूल्यांकन के द्वारा ही समझ पाते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हमारा है मूल्यांकन का उद्देश्य डायग्नोसिस, निदान करना। हेलो शैली। हाँ केशव सर, एक मैं एक पॉइंट बोलना चाहता हूँ सर, सुनिएगा। बिल्कुल सर। अब मूल्यांकन जब हम किसी बच्चे या बालक को कर लेते हैं तो उससे क्या होता है कि उसका फिर मतलब मूल्यांकन से बालकों को उचित परामर्श तथा निर्देशन देना आसान हो जाता है। ये भी मेरे उद्देश्य में है, तो आपने बता दिया, बहुत अच्छी बात है। मैं आपकी इस पॉइंट से सहमत हूँ केशव, आपने बता दिया, ये भी मेरे मूल्यांकन के उद्देश्य में था। ठीक है केशव, ओके थैंक यू। तो केशव जी ने जो अभी पॉइंट बता दिया, ये भी मेरे पॉइंट में था, चलिए कोई बात नहीं, अच्छा है। तो यहाँ पे जो डायग्नोसिस की बात है कि मूल्यांकन के द्वारा ये हमें पता लग जाता है कि जो विद्यार्थियों का जो कह सकते हैं जहाँ वीक पॉइंट होता है उसकी बातें में हमें पता लग जाता है। जैसे अभी मुझे पता लग रहा था कि मैं मूल्यांकन किया कि आप लोग क्या कर रहे थे, शॉर्ट को बहुत ज्यादा क्या किया, एक्सप्लेन कर दिया है, या कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। मैं भी देखा हूँ कॉपी एक एक बहुत अच्छे से चेक किया, वहां पता लगा कि क्या चीज लिख रहे हैं आप, किस तरह का लिख रहे हैं। कुछ स्टूडेंट का देखा, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से लिखा, डायग्राम बनाया, पैरा डायग्राम बनाया, बहुत सुंदर तरह से एक्सप्लेन किया। तो ये चीजें पता लगती है, उसको हम लोग दूर करने का प्रयास कर, सबसे पहले आइडेंटिफाई किया हमने मूल्यांकन के द्वारा, और फिर उसको हम दूर करेंगे, फिर आपको आगे बढ़ाएंगे। अगला मूल्यांकन का उद्देश्य ये है शिक्षण की प्रभावशीलता का ज्ञान करना। कि अभी जैसे बात क्या है थी पूजा ने कि अध्यापक अपन, बिल्कुल, कि यहाँ पे टीचर जो है, टीचिंग जो है उसकी प्रभावशीलता ज्ञात करते हैं मूल्यांकन के द्वारा, कितना इफेक्टिव है टीचिंग, क्या वो उद्देश्यों की प्राप्ति हो रही है, वो जो उद्देश्यों का निर्धारण किया था क्या वहां तक हो पा रहा है। नेक्स्ट मूल्यांकन का उद्देश्य पाठ्यक्रम में सुधार, ये मैंने पहले ही बताया था कि ये मूल्यांकन बहुत जरूरी है पाठ्यक्रम के सुधार में, क्योंकि
पाठ्यक्रम की उपयोगिता बढ़ाने के लिए विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम का मूल्यांकन करना अति आवश्यक है, ये भी मूल्यांकन का एक उद्देश्य होता है। इसके साथ जो अभी निर्देशन की बात की कि मूल्यांकन के द्वारा उचित निर्देशन परामर्श होता है, यदि आपका मूल्यांकन होगा और आपकी कुछ कमी मिलेगी और या आपने मूल्यांकन के द्वारा आप पता लगा कि आपके अंदर ये गुण है, इसे कहीं ना कहीं मूल्यांकन एक अधिगम जो है एक कह सकते मोटिवेट का काम करता है मूल्यांकन। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? यस सर। आवाजें बहुत ज्यादा आई है, मैं केवल एक को ही आइडेंटिफाई कर पाया हूँ, समा परवीन। समा, यस सर, आपने यस सर बोला था अभी। यस सर। इसको एक्सप्लेन कर दीजिए फिर थोड़ा सा, किस तरह से मूल्यांकन एक मोटिवेशनल मोटिवेट का काम करता है। सर, जब टीचर कोई भी चीज को पढ़ाते हैं और पढ़ाने के बाद जब उसका एवेल्युएशन करते हैं, तो जो स्टूडेंट, उस टीचर को पता चल जाता है कि कौन से स्टूडेंट कितना गेन किए हैं, तो जो स्टूडेंट अच्छा करते हैं वो मोटिवेट होते हैं, तो इससे वो मोटिवेशन का काम करता है। सर देखिए, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ किसी का थोड़ा सा जो प्रमाण पत्र, जो प्राप्तांक होते हैं, उस प्राप्तांकों के द्वारा जो मूल्यांकन किया, या हम किसी और तरह का मूल्यांकन की बात कर सकते हैं, या प्राप्तांकों की बात नहीं करते हैं, कि हमें जब किसी चीज का पता लग जाता है कि इसके अंदर ये गुण है, इसके अंदर ये कमी है, या उस विद्यार्थी को जब हम बताते हैं कि आपके अंदर ये कमी है, आपको सुधार करना है, और उसको ये चीज जब मूल्यांकन के द्वारा पता लगती तो वो और सुधार करने का प्रयास करता है, एक मोटिवेट होता वहां पे दूसरे को देखकर यहाँ पर। तो एक प्रकार से मूल्यांकन जो है अभिप्रेरणा का भी काम करता है। और मुझे लगता है कि समय भी हो चुका है और 58 से 47 क्लास हो चुकी है, क्योंकि समय भी हो चुका है आप लोगों का क्लास का। और आशा करता हूँ कि आज का जो टॉपिक मैंने बताया आप लोगों को समझ में आया था। तो चलते चलते दो प्रश्न मैं पूछूंगा सिर्फ। अनुपम कुमार सिंह है क्या लाइन पे? ये सर बोलिए, आप ये बताइए, आप मुझे केवल इतना आंसर दीजिए कि मूल्यांकन के जो प्रकारों, जो वर्गीकरण किया था, किसके द्वारा किया गया था, जो मैंने नाम बताया है। किनके द्वारा किया गया था मूल्यांकन का क्लासिफिकेशन, किसने किया था? डोंट नो सर। जी प्रशांत जी बताइए। यस सर, मुझे अस्क्रेव के द्वारा 1967 में किया गया। क्या नाम बताया आपने? मुझे प्रशांत जी आपकी आवाज कट। ओके, इन 1967 सप्तिनी कुमारी मुंडा बताइए। सप्तिनी कुमारी मुंडा, हाँ, मिशेल स्क्रीवन। अनुपम जी आपको आंसर पता लगा? अनुपम सर क्लियर आवाज नहीं आया मुझे, जिन्होंने ही बोला थोड़ा क्लियर बोल दीजिए। ओके ओके ओके, मैं क्लियर आवाज के लिए मंसिका जैन को कहूंगा। मंसिका जैन, मिशेल स्क्रीवन 1967 में। अनुपम रिपीट करें। मिचेल स्क्रिवन 1967। क्लियर? यस सर, थैंक यू मंसिका। ओके, वेलकम। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, लास्ट है ये क्वेश्चन मेरा है दयानंद कुशवाहा जी के लिए। दयानंद जी यस सर,
एनसीईआरटी की किस पुस्तक का नाम मैंने अभी बताया था आज की क्लास में? सर कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन इवैल्यूएशन. वेरी गुड वेरी गुड. तो आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. और बहुत अच्छे से आप लोगों ने सुना और आशा करता हूँ कि आप लोग इसको स्टडी कर लेंगे और मैं इसका PDF आप सबको शेयर कर दूंगा. ठीक है, आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं. थैंक